कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इट इंक्लूड्स द फ्रीडम टू नॉट फॉलो एनी रिलीजन. ठीक है, मतलब बिल्कुल सही है. तो इट हैज ऑल इट बार्स ऑल रिलीजियस कन्वर्जेंस, मेरे हिसाब से तो गलत है. और इट इज नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेन नेशनल्स, ये भी गलत है. फॉरेन नेशनल वाला तो 15, 16, 19, 20, 30 है ना, 29 आर्टिकल, क्योंकि जो आर्टिकल 25 है वो बात करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की. तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई विदेशी इंडिया में आता है तो उसको हम उसका धर्म मानने से रोकते थोड़ी ना. तो 3 तो गलत हो ही गया. और इट बार्स रिलीजियस कन्वर्जन, वो भी गलत हो गया, क्योंकि कन्वर्जन तो होता है इंडिया अलाउड है. तो 1 ओनली होगा इसका. आंसर देखते रहो, आंसर 1 ए ठीक है. द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 25 38. ये तो ठीक है, फ्रीडम राइट जस्टिस ऑफ रिलीजन एंड आल्सो प्रोपगेटेड. ठीक है, तो इसको तो नहीं पढ़ना है ना पूरा पूरा? नहीं नहीं हो गया, तो आसान तो ठीक 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 ए हो गया इसका आंसर, 1 ओनली. क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ता हूं मैं अगला क्वेश्चन. आर्टिकल नंबर 360. Under Article 360 of the Constitution, the power to proclaim financial emergency is vested under. ये तो पार्लियामेंट ही होगा. President, President. President होगा इसका. President होगा. अच्छा हाँ, President. हाँ 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 ठीक 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 ठीक. घोषणा तो proclaim, घोषणा तो वही करेगा ना President ही. हाँ President होगा इसका. ठीक है. देखें आंसर. C होगा वैसे. देख लो. हाँ यही होगा. देख लो. ठीक. C है. 352, 353, 360 होता है ना आप एमएनसी वाले. हाँ हाँ 352, 356 और 360. 352, 456, 460. 356 होता है प्रेसिडेंट रूल का, 360 होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, और 352 जो होता है वो हो गया नेशनल इमरजेंसी. और एक गवर्नर वाला कौन सा होता? गवर्नर वाला 356. प्रेसिडेंट रूल जो होता है, प्रेसिडेंट रूल को वो कह देते हैं जिसमें गवर्नर रिकमेंड कर देता है या बिना गवर्नर की रिकमेंडेशन के भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है. सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है वो, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन, उनको लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है उसका फेलियर हो गया है, या फिर आर्टिकल 365 है जो कहता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के दिए गए जो गाइडलाइंस हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट ने फॉलो नहीं करा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है. जैसे कि सीएए के ऊपर भी अगर कोई राज्य मना करता और सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो जाती, तो केरला के ऊपर या बंगाल के ऊपर राष्ट्रपति शासन लग सकता था उस टाइम पर. सरकार ने लगाया नहीं, अलग बात. लगाया नहीं, वो सीधे हैं लोग. क्वेश्चन 3 ठीक है. ये करंट कर रखे पहले से, फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ इंडिया 2020 देख लेते हैं. करंट तो वैसे थोड़ा कमजोर है, करंट में तो हाथ लेकिन ठीक है. फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया. There has been an increase in the forest cover of more than 10,000 square kilometer. Maximum increase in the forest cover was in the last 2 years has been witnessed in Madhya Pradesh. नहीं, ये तीसरा तो गलत, मध्य प्रदेश गलत. तीसरा मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए, कि मध्य प्रदेश तो नहीं होना चाहिए कि लगातार हो वो भी. नॉट ऑप्शन देखे ना. अच्छा नॉट करेक्ट ही पूछा है, तो थर्ड तो नॉट करेक्ट होगा ही होगा. अब बात आती है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इस रिपोर्ट को करता है कि नहीं करता, उसका मुझे थोड़ा डाउट है. लेकिन और 10,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा बढ़ा हुआ होगा, ये भी मुझे मतलब. ये सबसे ज्यादा बढ़ा था कौन सी स्टेट में बढ़ा था सबसे ज्यादा? शायद कर्नाटक में बढ़ा था क्या भाई? पता नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट कवर 2 सालों में बढ़ा होगा. स्टेट में बढ़ा था इतना तो मुझे याद है, लेकिन मध्य प्रदेश तो गलत है. ठीक है, देखते हैं इसका आंसर. देखते हैं तो इसका ये. रुक जाओ, पहले अपने आपसे तुक्का लगा लेते ना एक बार, कौन सा लगा सकते हैं ऑप्शन देख के. तो देखो भाई थर्ड तो गलत है ही है. हाँ ठीक है, इसका डी ऑप्शन भी ना. हाँ तो हो सकता है 3, मतलब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करता होगा. मुझे लगता है 1 सही होगा, 2 और 3 होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा शायद. दिया 2 और 3 दिया गलत में. 100% तो नहीं. हाँ ऑप्शन तो 2 और 3, 1, 2 और 3 लगा के देखते हैं. अच्छा ये नाम दिया रहता है ज्यादातर गलत. ये जो रिपोर्ट वगैरह वाले होते ज्यादातर मैक्सिमम गलत होते हैं नाम इनके. देखते हैं आंसर डी दिया इसका. देखो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज लाई थी इसको रिपोर्ट को, यही करता है भाई. फॉरेस्ट 2021 ठीक है, पब्लिश करती है मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और हैज रिसेंटली रिलीज द फॉरेस्ट रिपोर्ट. ठीक है, और ये रहा
प्रिपेयर्ड बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, प्रिपेयर इसने करा है, निकाली इसने, हर 2 साल में निकलती है वो तो मालूम ही है। बायनियल है और इसमें जो पड़ा है वो 2.261 स्क्वायर किलोमीटर है, उसमें कितना दिया था, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर दिया था ना। ये देखो साउथ वाला कोई है ना, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है हाँ। उसके ठीक बाद है में अगला क्वेश्चन। तेलंगाना है, एरिया वाइज मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, ये तो क्वेश्चन आया भी हुआ है प्री में है वो तो कि हमेशा सबसे से ज्यादा ये काफी फॉरेस्ट। टाइम, और परसेंटेज वाइज उसका है सबसे ज्यादा शायद अरुणाचल का हाँ वो परसेंटेज उस बेसिस पे भी देखते हैं ना एरिया हम कि उसके परसेंटेज एरिया के उसका हिसाब है। से कितना जंगल है। ठीक है अगले ठीक है प्रश्न पे मतलब चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, या क्वेश्चन पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट गलत हो गया वहां पे, हाँ ये तो तो क्योंकि वहां पे तो पार्लियामेंट्री गलत है, सोवरेनिटी है, फिर है दूसरा भी इलेक्टेड गलत, हेड ऑफ स्टेट, दूसरा भी दूसरा गलत हो गया क्योंकि मोनार्की। वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, फिर है मेजोरिटी पार्टी रूल, थ्री ओनली होगा सी। ये तो सही है, वहां पे भी कंजर्व, यहाँ पे ठीक है, देखते हैं आंसर इसका। ठीक है टीचर हाँ ऑफ द भाई इंडियन, ये मेंस में भी पूछ चुका है पता है, ये जुडिशरी के रिलेटेड दोनों में कंपेयर कराया था एक बार, इससे प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल सुन एग्जीक्यूटिव मेजोरिटी पार्टी ले टू द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, मेंबरशिप ऑफ द मेंबर मिनिस्टर्स इन लेजिस्लेचर, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। ठीक है फॉर सही हो एग्जाम्पल गया वो भी। इंडियन नॉट सोवरीन बॉडी। ठीक है वहां हाँ पे इंडिया में पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी नहीं है ना इंडिया में, वहां पे पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है इस वजह से। कंसिडर द ठीक है फंक्शनरीज ऑफ नीति आयोग, चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन स्पेशली, इसका तो तीनों ही हो, चारों ही होगा इसका तो, नहीं चारों चारों तो नहीं यही नहीं होगा, होगा, देखो चारों क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि चेयरपर्सन तो चेयरपर्सन तो खुद प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री होगी। हाँ खुद ही होता है वो तो, है ना, तो टू हाँ थ्री फोर हो जाएगा इसका एक सेकंड, पहला मेरे तो हिसाब चेयर से। क्या, अब हु अच्छा नीचे भी तो दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, टू थ्री एंड फोर ही होगा। हाँ देखते हैं सर, फिफ्थ का ये होना, हाँ फिफ्थ का ये ठीक है, यही चेयरपर्सन होना चाहिए। प्राइम हाँ मिनिस्टर ऑफ सही इंडिया, है। नीचे मैंने देखा ही नहीं था लास्ट वाला जैसा क्वेश्चन का। ये रहा वाइस चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, मेंबर्स फुल टाइम, रैंक ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, पार्ट टाइम मेंबर्स मैक्सिमम टू, और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, फोर मेंबर फ्रॉम द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, सीईओ तो वो होता ही है, सेक्रेटरी नेसेसरी, इसमें स्पेशल वो भी होते हैं ना इसमें इनवाइट, ये रहा इनवाइट करने वाले, और ये भी है हाँ स्पेशल इनवाइटीज तो होते ही हैं, चीफ जिनके पास में मिनिस्टर। डोमेन नॉलेज होती है उनको हाँ इनवाइट कर लेते हैं। चलो अगले प्रश्न पे चलते ठीक हैं। है अगला भाई क्वेश्चन, इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज द फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सप्राइज सपोर्ट दिस टेंडेंसी। ठीक है, अ मतलब सिंगल कि कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, अपॉइंटमेंट सही है, ऑफ तो स्टेट दूसरा तो बिल्कुल गवर्नमेंट। ठीक है ही, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, टू एंड थ्री तो पक्का सही है, वन वाले पे मतलब एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी ठीक ही है, मतलब मेरे हिसाब से फ्लेक्सिबल तो भी तीनों ही होंगे। और फ्लेक्सिबल भी तो है, हाँ मतलब फ्लेक्सिबल से फेडरेशन में, फेडरेशन विद हाँ लाइजिंग सही है टेंडेंसी, हाँ तीनों होंगे। इमरजेंसी में तो पूरा कवर कर लेता ना अपना पावर, तो मान सकते हैं ऐसा सेंट्रलाइजेशन। हाँ तो एक सेकंड, तो वन टू डी थ्री होगा देख, इसका भी, डी होगा, सिक्स का भी डी है। सिक्स का आंसर डी, ठीक है वन टू थ्री, अनलाइक यू से टू सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका में, और यहाँ पे भारत में एक ही है, फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, वेर इट विल बी रिजिड, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, देखो स्टेट बाउंड्रीज की सेंट्रलाइजिंग डिपेंडेंसी, टेंडेंसी कैसे हम देख सकते हैं ना, वो आर्टिकल नंबर 2, 3, 4 से पता चल जाएगा हमें सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी का, क्योंकि में आर्टिकल हाँ नंबर 3 के तहत जो भी स्टेट की बाउंड्रीज होती हैं उनको सेंट्रल और गवर्नमेंट जब तक चाहे तोड़ के कोई नया राज्य बना सकती है, आर्टिकल 2 के तहत ये यूनियन टेरिटरी बना उनका सकती है। लेजिस्लेटिव पावर भी तो चला जाता है उनका टाइम पे, वो भी तो क्या यही चीज है, उनका कौन लेजिस्लेटिव सा, पावर भी तो चला जाता है स्टेट्स का, सेंटर के पास इमरजेंसी लग जाए तो हाँ जब इमरजेंसी लग जाएगी तो वो भी चला जाएगा, सही बात है। वो भी तो हुआ इन ना ये जनरल काम। मैं बता रहा हूँ कि इन जनरल हाँ में भी जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज्यादा स्ट्रांग है, ऑल इमरजेंसी में तो सब इंडिया खत्म हो गया। गवर्नर बाय द सेंटर, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। ठीक है क्वेश्चन सेवन पढ़ो। एनपीआर की बात हो रही है, ओनली सिटीजन्स आर इंक्लूडेड इन द एनपीआर, मेरे हिसाब से तो गलत हो गया। और दूसरा हेड ये इज मैंडेटरी सिटीजन फॉर क्या चीज, है,
क्योंकि इंडिया में रहने वाला कोई भी व्यक्ति आ जाएगा ना, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, नेशनल तो हर वो व्यक्ति है जो, एनआरसी वाले में केवल सिटीजन थे, एनपीआर में दोनों थे, तो पहला तो गलत है। पहला गलत है। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी यूजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर इन द एनपीआर। हाँ ठीक है। और जो पहला एनपीआर हुआ था 2010 में हुआ था, 2011 में हाउस लिस्टिंग, ये भी सही है। तो 2 और 3 होगा। पहला इसका गलत है तो 2 और 3 होगा। हाँ ठीक है, देखता हूँ बी, 7th का बी। हाँ ठीक है, वही लोकल बी है। रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है, ये बीन रिजाइडिंग इन लोकल फॉर एटलीस्ट 10 मंथ्स और इंटेंट टू स्टे पर्टिकुलर लोकेशन फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। एनपीआर इज नॉट ए सिटीजनशिप इनोमिनेशन ड्राइव, इट कैन बी, इट वुड बी इवन रिकॉर्डेड फॉर ए फॉरन नेशनल स्टेइंग इन लोकेलिटी, दिस मेक्स एनपीआर डिफरेंट। देखो ये रहा एनआरसी वाला, विच इंक्लूड्स ओनली सिटीजन, इस पर बड़ा बवाल भी तो हाँ मचा एनआरसी था। में तो केवल नागरिक होंगे ना, उसी के ऊपर तो हंगामा ही हुआ था एनआरसी के ऊपर। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी यूजुअल रेजिडेंट टू रजिस्टर इन द एनपीआर, ठीक है, ओनली आसाम विल नॉट बी इंक्लूडेड, एनपीआर विल बी कंडक्टेड इन कंजंक्शन विद द लाइट हाउस, विद द हाउस लिस्टिंग फेज। ये तो होता ही रहेगा, अभी तक तो हुआ नहीं ना, ये कोरोना हाँ में बंद होने कोरोना के से। चक्कर में हो नहीं पाया। चलो अगला प्रश्न, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देर इज नो लिमिट टू द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली द प्रेसिडेंट कैन डिसाइड वेदर एनी मैटर फॉर्म ए पार्ट ऑफ। ये तो दूसरा गलत है दूसरा सर, तो ये 100% गलत है। देर सेम इज नो लिमिट टू द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द इसको कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी गलत है। लिमिट है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है भाई। तो देखने की आवश्यकता है नहीं, देख लेते हाँ क्योंकि मार्क कर देंगे तो बाद में लगा। केशवानंद भारती के हाँ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नो बडी इवन द पार्लियामेंट अमंग कैन वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, द कोर्ट डिड मोर मोर थिंग्स, फर्स्ट इट सेड दैट राइट टू प्रॉपर्टी, ये तो हटा हाँ ही उसको दिया उड़ा था, दिया व्हाट उसने। नॉट बेसिक स्ट्रक्चर, सिंगली द कोर्ट रिजर्व टू इटसेल्फ द राइट टू डिसाइड वेदर वेरियस मैटर्स आर पार्ट ऑफ बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मतलब कोर्ट डिसाइड करता है, वो तो सही है, वो तो पता ही तो लग ही रहा हाँ था, वो गलत तो है ही है, होगी कोर्ट माई बाप है इंडिया का, जो कोर्ट कह देता है वही होता है इंडिया में। अगला। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये क्वेश्चन भी आसान है भाई। पहला तो सही है बिल्कुल, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, और यूएसए और जापान इसके मेंबर नहीं है। यूएसए और जापान एशियन डेवलपमेंट बैंक के मेंबर है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के मेंबर नहीं है। चाइना होगा ना, चाइना इसका मेन होगा, हाँ चाइना है। हेडक्वार्टर बताओ कहाँ पे इसका, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। पता नहीं इसका कहाँ, चाइना में ही होगा कहीं मुझे लगता है, हाँ चाइना में कहाँ। तो है ही, बीजिंग में है। ठीक है, इसका ठीक है, बीजिंग इसका में है, और कुछ न्यू डेवलपमेंट बैंक का शंघाई में। नहीं। ये मेंस में भी आया हुआ ना क्वेश्चन, ये वाला तो मैंने मेंस के जब प्रीवियस ईयर के लिखे थे तो उससे तैयार हो गया था। तो इसका हाँ वन मतलब ओनली मैंने हो, लगभग लिख लिए सारे इसके, तो पॉलिटी के सारे कर लिए, पॉलिटी के भी कर लिए सारे, और आईआर के भी सारे कर लिए, साइंस एंड टेक के भी कर लिए, एथिक्स के कर लिए, हिस्ट्री के कर चलो लिए, इकोनॉमिक्स बच रही है अभी, इकोनॉमिक्स के भी हो जाएंगे तो उससे 10 साल प्री में भी हेल्प की मिलती है। हाँ मतलब सारे 10 साल होंगे, 2013 से। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं अभी हम फिलहाल। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये तो आसान, ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी विच कुड लीड टू इनस्टेबिलिटी। हाँ ठीक है डेमोक्रेसी बिल्कुल, डेमोक्रेसी में लीड टू करप्शन एज इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। बिल्कुल सही बात है, करप्शन होता ही, टिकट बिकते हैं। तीनों ही डेमोक्रेसी सही, इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ रैश और इररेस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत ब्रेक्जिट। है, नहीं, तीसरा गलत अच्छा है, क्योंकि इतना बढ़िया से डिस्कशन होगा तो तीसरा गलत होना चाहिए इसका, इंक्रीज द चांसेस ऑफ रैश एंड इररेस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, ये गलत होना चाहिए ना, क्योंकि बातचीत मेरे हिसाब से सही करके। होगा, मैं बताऊं क्यों सही मुझे लग रहा है, क्योंकि अब क्या कहते हैं सरकार जो है, क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप ऑफ द मेजोरिटेरियन आ जाएगी मोदी सरकार में, तो उसमें क्या होगा, मतलब इरेशनल डिसीजन मेकिंग हो सकती वो है। करने की बात है ना, मैं तो थियोरेटिकली देखे तो ये गलत लग रहा है, क्योंकि इंक्रीज द चांसेस ऑफ रैश और इररेस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, क्योंकि बिल्कुल जितना विचार होता है उससे बढ़िया डिसीजन है, देख चांसेस का क्या है, मुझे 1 और 2 नहीं लग रहा, तुम्हारा डी मेरे लग रहा हिसाब है से ना, तो डी होगा, डी होगा मेरे हिसाब से तो, ठीक देख लो एक बार। है सर, आंसर 10th का ए, देखो ए दिया इसका आंसर, एक्सप्लेनेशन दिया। अच्छा ए दिया है। डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर दैट द पीपल टेक देयर ओन डिसीजंस, दिस डज नॉट गारंटी दैट द डिसीजंस विल बी गुड, पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, बी इन्वॉल्विंग द पीपल इन डिफरेंट डिसीजन मेकिंग लीड टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, इट इज ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप, समटाइम्स दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजन एंड इफेक्ट गवर्नमेंट एफिशियंसी, डेमोक्रेसी मे लीड टू करप्शन, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन ड्यू टू मोर एक्सपेंडिचर इन इलेक्टोरल इलेक्शन एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स,
डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन. अ डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑल्वेज इन्वॉल्व्स मेनी पर्सन डिस्कशन मीटिंग्स. देखो व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट टुगेदर दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक्स इन एनी डिसीजन. दिस टेक्स टाइम बट देर इज अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इम्पोर्टेंट डिसीजन. दिस रिड्यूसेस चांसेस ऑफ रेसिडेंस. ये एनसीईआरटी पढ़ना, वो 11th वाली रेड वाली है ना जो. हाँ वो पढ़ी तो थी, वो टाइम काफी हो गया पढ़े हुए, उसमें दिया हो गया. हाँ सही कह रहे हो. मैं ऐसी बात नहीं रखी है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स. दे आर सैंक्रोसैंड इन नेचर एंड कैन नॉट बी अमेंडेड. ये तो गलत है, अमेंड तो कर ही सकते हैं. दे आर एलिजिबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल. सही है, ये भी सही है. दे ऑपरेट एज चेक एंड टिरनी ऑफ द बोथ एग्जीक्यूटिव. 2 और 3 क्या लगता है? एक मिनट, मैंने तीसरा पढ़ा नहीं. हाँ ठीक है, तीस ये सही होंगे, 2 और 3 होगा. चेक्स ऑन द टेरेनी ऑफ बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. सी है इसका आंसर. सही है एक्सप्लेनेशन. आंसर सही भी होता है, एक्सप्लेनेशन करना चाहिए क्योंकि काम आता है फिर. ये फंडामेंटल राइट कैन बी मेंटेन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंटिल दे आर नॉट वायलेटेड बाय द अंटिल दे डू नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दस दे आर नॉट सैक्रोसेंट. नॉट सैक्रोसेंट ठीक है. आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट अगेंस्ट द एक्शन ऑफ बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स. जैसे कि आर्टिकल 17 हो गया ना, अनटचेबिलिटी वाला. हाँ लिखा ही हुआ है वो. ठीक है. आर अवेलेबल अगेंस्ट द प्राइवेट सिटीजंस आल्सो. दिस राइट लिमिट द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एंड दस प्रिवेंट टिरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर. अगला प्रश्न पढ़ने चलिए. पढ़ो अगला प्रश्न. Which of the following statement is correct with regard to the fundamental duties? They can be used by the courts to determine the constitutionality of a law. हाँ कर सकता है, मतलब एक वो मतलब गाइडलाइन तो बनी सकती है. दे कैन बी इन्फोर्स बाय द पार्लियामेंट थ्रू लेजिस्लेशन. बिल्कुल, क्योंकि राइट टू एजुकेशन पहले उसी में डाला गया था. ये जस्टिफिएबल नहीं होता, लेकिन ये है कि डिटरमाइन कर सकते कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ. ठीक है, दे कैन बी इन्फोर्स बाय द पार्लियामेंट थ्रू लेजिस्लेशन. ये भी तो सही है, लेकिन है नहीं, लेकिन कर सकते हैं ना. हाँ इन्फोर्स कर सकते हैं वो तो, पार्लियामेंट को कर सकती है. बोल भी रहे थे जब वो नेशनल एंथम वाला इशू आया था ना, उसने बोल रहे थे कुछ लोग रूलिंग पार्टी वाले की कर दो इसको. इसका आंसर क्या सीधे दे रखा है ना. जब नहीं बोले तो लोग सिनेमा हॉल में हम नहीं खड़े होंगे नेशनल एंथम के टाइम पे, हमारी मर्जी. स्टेटमेंट वन इज करेक्ट. फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी यूज इन डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ. स्टेटमेंट टू इज करेक्ट. पार्लियामेंट इज फ्री टू इम्पोज फंडामेंटल ड्यूटीज थ्रू सूटेबल लेजिस्लेशन एंड मेनी लेजिस्लेशन लाइक प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर 1971 मेक इंसल्ट टू नेशनल सिंबल एज अ सिंबल से पनिशेबल एक्ट. ठीक है, पनिशेबल एक्ट. हाँ ठीक है. प्रश्न पढ़ो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर्स ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म इज अडॉप्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसपे भी मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन. क्या चीज? फ्रांस के साथ पूछा था ना इंडिया का. हाँ, फ्रांस वाला, वही वही फ्रांस वाला ही. तो रिलीजन इज अ पर्सनल मैटर एंड देयर इज नो इंटरफेरेंस बाय द स्टेट. गलत हो गया. तो अभी हुआ है शबरीमाला में इंटरफेरेंस हुआ है, तो गलत हो गया. नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एंट्री इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन और कास्ट. यार ये मतलब ये भी गलत होना चाहिए. एक बार ऑप्शन देख के पता चलेगा कि कुछ एजुकेशन डिनाइड एंट्री इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑन द स्टेट ऑफ द स्टेट ऑन द. ये बिल्कुल गलत ही होना चाहिए. ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कोई मना कर देगा किसी को. गलत है ना. अगला पढ़ो. एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज द राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस विदाउट एनी लिमिटेशन. मेरे हिसाब से तो ठीक है, आर्टिकल नंबर 26 है. 26 तो 3 तो पक्का सही है, 2 और 3 होगा. तीसरा गलत है इसका. और तीसरा सही होगा ना. अरे भाई तीसरा सही है. विदाउट एनी लिमिटेशन लिखा है इसमें, कोई लिमिटेशन ही नहीं है, कुछ भी करें. सुनो तो सही क्या लिखा है उसमें. नॉट, इसमें से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट. करेक्ट पूछा ना, तो पहला तो गलत हो गया ना, 100% गलत हो गया पहला तो. भाई एक सेकंड क्वेश्चन पढ़ लें तो मैं गर्ल पढ़ लिया क्या. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म एज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. रिलीजन इज. ठीक है, ये तो सही है. ठीक है, नो सिटीजन कैन बी. एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज द राइट टू एस्टैब्लिश मेंटेन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन विदाउट एनी लिमिटेशन. क्या है, क्या क्या कौन सा होगा आंसर बताना. मेरे हिसाब से तो 2 और 3 होगा, क्योंकि 1 तो गलत है. हमारे देश में सरकार धर्म में इंटरफेयर करती है. पहला गलत है और तीसरा भी गलत है, क्योंकि लिमिट एनी लिमिटेशन लिखा ना, विदाउट एनी लिमिटेशन. ये पब्लिक पब्लिक क्या कहते हैं, पब्लिक सिक्योरिटी हेल्थ मोरालिटी ये सब है ना, लिमिटेशन लगा रखा है ये सब. मुझे लग रहा है केवल नहीं,
आर्टिकल 26 में नहीं है ये, आर्टिकल 26 में नहीं है, मतलब कुछ पब्लिक हेल्थ मोरलिटी कुछ नहीं है, समझ देख लो एक बार, मेरे हिसाब से तो 23 होगा। बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रहा है, विदाउट एनी लिमिटेशन आंसर देखते हाँ हैं इससे कह तो पहले। सही रहे हो, मतलब विदाउट एक्सट्रीम तो लग रहा है, देख लेते हैं। हाँ गया, तो आंसर इसका सी है। वैसे देखो आंसर क्या है इसका, देखो सी इसका टू ओनली है, देखते अच्छा हाँ यार, टू ही इसका गलत हो गया, एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन देख लो, वैसे सही कह गलत रहे हो, विदाउट एनी लिमिटेशन गड़बड़ हो गया मामला, है। तो नहीं भी लिखा है तो सही कोड उसको इंटरप्रेट करेगी कि लिमिटेशन है भाई, दिख नहीं रहा है, तुम्हें नहीं पता है, लेकिन तुम हो ऐसा बोल के। हाँ सही बात है, वो सही कह रहे हो। टू द दो द वर्ड सेक्युलर वॉज नॉट एडेड, वॉज नॉट एडेड टू द प्रेम्बल टू द इनिशियली, ठीक है। प्रीएम्बल। हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन सेक्युलर फ्रॉम द बिगिनिंग, इट इज राइट, इट हैज फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रॉम आर्टिकल 25-28 एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटी 29-30 एज फंडामेंटल राइट्स, ठीक। हाउएवर इंडियन सेक्युलरिज्म फ्रॉम द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म वेयर रिलीजन इज ट्रीटेड एज अ पर्सनल मैटर, देर इज स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। इन इंडिया स्टेट कैन रेगुलेट इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सेक्युलर एक्टिविटीज रिलेटेड टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस, फॉर एग्जाम्पल थ्रोइंग अप, ठीक है, इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑल सेक्शन, वाला तो था सबरीमाला वाला। स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, एज पर आर्टिकल 29(2) नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एंट्री इन टू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट मेंटेन बाय द स्टेट ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट और एनी ऑफ देम। स्टेटमेंट थ्री इज नॉट करेक्ट, द फ्रीडम रिलीजन इज नॉट एब्सोल्यूट। देखो बस एकमात्र आर्टिकल है आर्टिकल वो वाला जिसमें सही कह रहे हो। अनटचेबल वाला नहीं, बस वही एक एब्सोल्यूट आर्टिकल है, एब्सोल्यूट नहीं है। हाँ, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सही फॉर कह रहे हो। सर्टेन लिमिटेशन ऑन देम, फॉर एग्जाम्पल एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज द राइट टू हाँ एस्टैब्लिश, सही कह रहे हो, पब्लिक ऑर्डर मोरलिटी है, सही कह रहे हो वही तुम। मैंने कहा ना, ये हर जगह लगा देते हैं क्योंकि तो अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे, बोले हमारे में यही लिखा हम यही करेंगे। चलो हाँ सही कह रहे हो भाई, ये बात तो अगले प्रश्न पे सही बात चलते है। हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट केसेस रिलेटेड, यार केस हो तो मुझे याद नहीं रहते, बताओ, मुझे नहीं आ रहा है, वैसे अच्छा पढ़ लेता हूँ, मतलब क्या पता कि है। विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट केसेस रिलेटेड विद डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज, आयर कोलो केस, गोलकनाथ, मेनका, मेनका गांधी वाला तो गोपीनाथ फंडामेंटल राइट का था, ये तो है पक्का, और गोलकनाथ कौन सा, वाला भी था, मिल भी था, नहीं मेरे फंडामेंटल हिसाब राइट से और मेनका डीपीएसपी। मेनका गांधी केस नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मेनका गांधी केस तो उसके ऊपर था, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ऊपर था ना। ये फंडामेंटल राइट वाले में भी कोर्ट किया था इसको कभी, मैंने देखा था कहीं ये, तो चलो देखते लेकिन इसका। फंडामेंटल राइट में करा होगा, लेकिन डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में डिस्प्यूट नहीं है वो, मतलब जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। देखो मैं आईआर मुझे कोएलो केस पढ़ता हूँ पहले, तो मतलब गोलकनाथ केस तो पता ही होगा, गोलकनाथ केस में तो आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी, और उसके अलावा डीपीएसपी, डीपीएसपी के तहत क्या कर रहा है जनरल, लैंड रिफॉर्म्स होंगे, जमीन जो अमीर आदमी है उसकी जमीन जब्त करके गरीबों में बांटी जाएगी, तो ये जो काम हो गया डीपीएसपी में आ गया। आर्टिकल 39 क्या कहता है, हमें इक्वेलिटी लेके आनी है, इनइक्वेलिटी कम करनी है, तो आर्टिकल 39 इनइक्वेलिटी कम करने की बात कर रहे हैं, और जो आर्टिकल गोलकनाथ वाला 31 सही है वो लिखा है, राइट, तो 2 तो पक्का सही होगा। अब 2 सही तो होगा टू तो देख। सी और डी तो ऑप्शन गलत हो गए, ठीक हाँ है 3 पक्का गलत है, तो अब हमें 1 और 4 में से देखना है, तो अब 1 और 4 में से देखना है यदि, तो आईआर कोयलो केस जो आया है, आईआर कोयलो केस में क्या करा गया था, ये 2007 में आया है, मतलब आईआर कोयलो केस, जिसमें इन्होंने एक चीज ये कही है कि भाई आर्टिकल जो 9th शेड्यूल बनाया गया है, और 9th शेड्यूल में यदि किसी लॉ को डाल दिया जाता है, उसका मतलब ये नहीं तो है कि उसको जुडिशियल स्क्रूटी, मतलब कि जुडिशियरी उसका रिव्यू कर ही नहीं सकती, उसके बाद भी उसका रिव्यू कर सकती है, तो ये वाला वो मामला था, और इन्होंने कहा गया था कि भाई हमने लैंड रिफॉर्म जो है वो लेके आने, तो मेरे हिसाब से मिनर्वा मिल्स केस में, मिनर्वा मिल्स केस तो पक्का ही, मतलब इसका 2 और 4 होगा बी मिनर्मा मेरे बिल, हिसाब अरे से। मिनर्मा बिल वाला तो था डीपीएसपी अफेयर में है। हाँ ये तो 100% है ही, तो बी होगा इसका, क्योंकि 1 वाला डायरेक्टली तो नहीं जुड़ता उससे, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में जो विवाद है वो तो नहीं उसकी बात हो रही है कि भाई जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता, 9th शेड्यूल में कोई कानून डाल दिया गया है तो। हाँ, एक केस वाला आर्टिकल याद नहीं रहता यार मुझे, डेट मतलब जिसमें वो आता है ना, नंबर्स आ जाते हैं जिसमें फिगर आ जाते हैं, वो भूल जाता है मुझे। वैसे देखता हूँ आंसर इसका, 14th का, बी फोर्टीन होगा, का, बी ही ठीक है, होगा। एक सेकंड इसका पता है। चंपक राम दोराई रंजन केस दोराई 1951 जन, इन, ये रिजर्वेशन का केस था ना, इसमें जब क्या कहते हैं चंपाकरण दोराई राजन कोई लड़की थी तमिलनाडु की, जिसने केस करा था कि भाई राइट टू इक्वेलिटी का वायलेशन हो रहा है रिजर्वेशन को लागू करने से, इस तरीके की बात थी कुछ, अच्छा, तो वही वाला केस हो गया ये। दिस लेड टू और द फिर गोलकनाथ फर्स्ट, केस तो बहुत पॉपुलर है ही, हाँ ये दो ये तो भाई थे पढ़ा, पंजाब के। नेचर।
24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, न्यू आर्टिकल आर्टिकल 30 बच्चा बच्चा जानता जानते ठीक है। 42nd सचिन पैदा हुआ था उस दिन जब ये जजमेंट आया था। क्या हुआ था? सचिन उसी दिन पैदा हुआ था ना जिस दिन ये जजमेंट आया था। ये नहीं पता मुझे। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द प्राइमेसी ऑफ द डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। प्राइमेसी इनवैलिड है इसका, डीपीएसपी का। एक सेकंड, एफआर के ऊपर। इट लेड टू द सबऑर्डिनेशन ऑफ डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट्स। हाउएवर द फंडामेंटल राइट्स कंफर्ड बाय आर्टिकल 14 एंड 19 वेर एक्सेप्टेड बाय सबऑर्डिनेट टू डीपीएसपी। क्योंकि भाई आर्टिकल 14 और 19 बात कर रहे हैं राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहे हैं आपको, राइट टू इक्वलिटी पर क्या कहते हैं जो सरकार वो इनइक्वलिटी को दूर करने के लिए मीजर्स लेगी 39 बी और सी के तहत, वो लागू ही नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से आर्टिकल 14 और 19 के नाम पे कोई हंगामा नहीं खड़ा कर सकता कि मतलब कि मेरे इन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो गया। तो इन दो आर्टिकल्स में डीपीएसपी ऊपर है, वैसे फंडामेंटल राइट ऊपर है। तो मतलब 14 और 19 में क्या चीज ये वाले में है ना बस। हाँ, इस वाले भी है, क्योंकि आर्टिकल 19 के तहत इनर लाइन परमिट भी आता है, और इनर लाइन परमिट जो है वो आर्टिकल 19 के तहत आ रहा है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हर जगह है, लेकिन वहां पे आईएलपी लेके जाना पड़ेगा, यही है ना। हाँ, मतलब इनर लाइन परमिट में ही है ना कि तुम्हें परमिट लेके जाना पड़ेगा उन राज्यों में। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। क्या है द प्रेजेंट पोजीशन इज दैट द फंडामेंटल राइट एंजॉय सुप्रीमेसी ओवर डीपीएसपी। However, the parliament can amend the fundamental rights implementing the DPSP so long as the amendment does not destroy the basic feature of the constitution. Menaka Gandhi case 1978, it deals with the rights guaranteed under Article 21 of the constitution. Prior to this, there was a procedure described by the procedure of due process of law. Bahut famous case hai ye, Menaka Gandhi. Achha, procedure established by law, due process of law mein toh antar pata hi hoga. Haan, haan, ye pata hai, jisse matlab ki... एक एक यूएस से लिया हुआ ना इन्होंने, ये वाला बाद वाला जो क्या कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, मतलब अंतर क्या बताओ तुमने वो बताया। अंतर याद है मुझे, मतलब पता है, अभी बताओ तो मुझे याद आ जाएगा। बताओ एक बार, मैं बताऊं ऐसे। हाँ, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ, जैसे कि मान लो सरकार अब कोई कानून बना दे कि इस धर्म के लोगों को हम वोट देने का अधिकार छीन देते हैं, तो संसद से पारित भी हो जाए, वो लोकसभा से भी पारित हो गया, राज्यसभा से भी पारित हो गया, तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, कानून के मुताबिक सरकार ने कुछ गलत नहीं करा। तो अगर देश में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है तो सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि जो कानून पारित हुआ है वो ठीक तरीके से पारित हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों से पारित हो गया और प्रेसिडेंट ने उस पर मोहर भी लगा दी, तो सुप्रीम कोर्ट उसको चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि उसका जो प्रोसीजर है उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन जब हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करते हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ये भी देखेगा कि भाई उसके पीछे इंटेंशन क्या है। मतलब भले ही प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें जो इंटेंट है वो ठीक नहीं है और किसी पर्टिकुलर धर्म के लोगों के साथ में भेदभाव हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जब अपनी खुद की बुद्धि लगाएगा तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो जाएगा, जो इंडिया में चलता ही है। मतलब एनजीएसी भी वैसे बंद हो गया तो, और नेशनल इसको दिया है यूएस से ना, यूनाइटेड स्टेट्स से। हाँ, यूएस में यही होता है। ब्रिटेन में क्या कहते हैं, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कि वहां की संसद यदि कानून बना दे और ये कहे कि आज से जो भी नया प्रेसिडेंट बनेगा, मतलब क्वीन बनेगी, उसको पानी में डूब के मारेंगे हम, तो वो मना नहीं कर सकता। मतलब ना तो कोर्ट मना कर सकता है वहां, और ना ही राष्ट्रपति साइन करने से मना कर सकता है वहां का। मतलब कि वो खुद ही क्वीन साइन करेगी कि हाँ मुझे पानी में डूबो के मार दो, क्योंकि वहां पे वो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है ना। मतलब ठीक है, popularly known as the ninth schedule case, Supreme Court took this further and argued that if the purpose of the inserting a law into ninth schedule was to undo a judgment of the Supreme Court, this could be examined by the court. Also, the Supreme Court held that the laws placed under Article 9th schedule after Keshavan Bharti judgment, date bhi de rakha yahan pe, cannot be exempted from the judicial review. Date of 1973, kyunki ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, मेंस में आया हुआ है, 2017-18 के मेंस में आया था ये क्वेश्चन। तो मतलब मैंने तभी इसको तैयार करा था क्वेश्चन को। तो इसमें ये मतलब पता है केस पूरा है, नाइन शेड्यूल वाला क्या है, कोई एक आया था शायद, जो भी आया था उसको सरकार ने डाल दिया था, फिर सरकार ने ये मना किया था कि कोर्ट ने मना किया था कि इसके बाद हम नहीं डाल सकते अब केशवानंद भारती के पास। कौन सा केस था ये नहीं मुझे याद है, कौन सा एक्ट आया था। तो जो नहीं, एक्ट नहीं है, मतलब बात यह है कि सरकार क्या करती थी, सरकार को मतलब कोई कानून बनाना है
और सरकार ये चाहती है उसका जुडिशियल रिव्यू हो ही ना पाए, तो सरकार उसको नाइन शेड्यूल में डाल देती थी। और ये नियम था कि कोई भी कानून यदि नाइन शेड्यूल में डाल दिया तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा नहीं। तो अब इससे हो गया रहा था, सरकार जो है जुडिशियल स्क्रूटिनी जो हो रही है उसको मतलब बाईपास कर दे रही थी। तो 2007 में आईआर कोएलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1973 के बाद में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आ चुकी है और जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। यानी कि 1973 के बाद से कोई भी कानून यदि डाला गया है नाइन शेड्यूल में तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। हाँ, क्योंकि 1973 से पहले इस वो क्या कहते हैं उसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन थी ही नहीं, तो उससे पहले जो कानून डाले जा चुके हैं उनको इम्यूनिटी है, उसके बाद का हर कानून का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, भले नाइन शेड्यूल में भी डाल दो। थी उसके बाद ही हुआ होगा ना ये, मतलब ये इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था ना जहां तक मुझे याद है ज्यादातर। क्या चीज ये जो नाइन शेड्यूल में डालने का चलन शुरू हुआ था कि नहीं नहीं, इसमें क्वेश्चन आया 2019 के प्री में, ये नेहरू के टाइम पे हो गया था, चाचा नेहरू ने ही क्या कहते हैं नाइन शेड्यूल बना दिया था, ये 2019 के प्री में क्वेश्चन आया है, मैंने जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करे थे इसी से बचने की। हाँ, क्योंकि उनको लैंड रिफॉर्म करने थे उस टाइम पर, और जब लैंड रिफॉर्म करने के लिए वो काम आगे बढ़ाते थे तो भाई राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है, तो 10 लोग खड़े हो जाते थे कि हमारी प्रॉपर्टी तो तुम कैसे जब्त करके किसी दूसरे को बांट सकते हो। तो इस वजह से नाइन शेड्यूल के ऊपर कानून नेहरू ने ही बना दिया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद में नाइन शेड्यूल बन गया। और उसमें कोई भी कानून यदि डाल दिया तो सरकार कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन 1973 के बाद में कोई कानून डाला जाता है अगर नाइन शेड्यूल में तो उसकी प्रॉपर मतलब स्क्रूटिनी हो सकती है, जुडिशियल रिव्यू होगा ना। क्या थे? ये जजमेंट 2007 में दिया कोर्ट ने। हाँ, ये जजमेंट 2007 में आया, आईआर कोहेलो केस में आया। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ो 15। हाँ, तो इसमें पूछा है कि भाई इनमें से कौन सा स्टेट की डेफिनेशन में आता है आर्टिकल 12 में, तो स्टेट की डेफिनेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट भी आती है, स्टेट गवर्नमेंट भी आती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी आती है, और उसके अलावा पीएसयू वगैरह भी आते हैं। तो मेरे हिसाब से तो 1, 2, 3 तो हो गई होगा, नीति आयोग तो हो गई, यूआईडीएआई भी होगा, आरबीआई भी हो गई, चारों ही होंगे क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी तो बैंक ऑफ द गवर्नमेंट है, चारों ही होंगे। हमारे लग रहा है मुझे भी एक 12 है स्टेट का, और एक कौन सा है 36 है क्या, कौन सा एक और आर्टिकल जिसमें डेफिनेशन है, आर्टिकल 36 है वो डीपीएसपी में आता है, 36 12 और 36 ठीक है। क्या दिया इसमें, स्टेट हैज बीन डिफाइंड इन द वाइडर सेंस सो दैट सो एज टू इंक्लूड ऑल इट्स एजेंसीज, इट इज दैट इट इज द एक्शन ऑफ दीज एजेंसीज दैट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट, कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट एज वायलेशन वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, इवन अ प्राइवेट बॉडी और एन एजेंसी working as an instrument of the state falls within the meaning of the state, instrument of the state ठीक है, ये रहा देखो body or an agency working ठीक as an instrument of the state, DMRC has equal equity participation from government of India, और ये क्या है GNCTs, ये होगा क्या कहते हैं न्यू दिल्ली या नेशनल कैपिटल टेरिटरी करके कुछ होता है ना, NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जी से पता नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब आया था, और नीति आयोग पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करता है इसलिए है, और नीति आयोग का तो प्रेसिडेंट खुद ही पीएम है, चेयरपर्सन खुद ही पीएम है, गवर्नमेंट अथॉरिटी पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करता है इसलिए इसको कर दिया, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली होगा ही, वो भी लॉजिक हो गया, मतलब दोनों ही चीज चल जाएंगी, सही है। अगला प्रश्न कहाँ गया, क्वेश्चन यार ये करंट का ही लग रहा है, वेडल सी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये मैंने नोट्स में तो है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, ये बड़े वाले मैप पे दिखता रहता है हमेशा, किधर है ये नहीं याद आ रहा मुझे जहां तक लगता है ये शायद अंटार्कटिका में होगा, अंटार्कटिका नीचे है ना, देख लेते हैं, इंडियन ओशन में तो नहीं है, पैसिफिक में भी नहीं, आर्कटिक है, अंटार्कटिक में ही होगा, इंडियन ओशन में तो बिल्कुल नहीं है, अंटार्कटिका में होगा शायद, पैसिफिक में भी नहीं है, सी और डी में से किसी में डी पे लगा के देखते चलो, मुझे लग रहा सी में ना निकल जाए, जायंट फिशिंग ब्रीड फिश ब्रीडिंग कॉलोनी हैज बीन डिस्कवर्ड, अच्छा ये नया मिला है इन वेडल सी, हाँ मिला होगा वो, इसको मैप में देख ले क्या अभी क्या, अभी अ ब्रीडिंग कॉलोनी ऑफ 60 मिलियन आइस फिश नेस्ट हैज बीन फाउंड इन द, जैसे ये सब छोड़ो कहानी, बस ये है कि मिला है फिश ब्रीडिंग ग्राउंड अंटार्कटिका में नया है, मेडल सीयर कहीं दिख, मिल गया अंटार्कटिका के पास में मिल गया, ये है साउथ अमेरिका के नीचे है, अर्जेंटीना के नीचे जो अंटार्कटिका है वहां पर, अच्छा अच्छा
वहां पे एक डिस्प्यूट भी तो चल रहा है, वो चिली के साथ कोई था तो हाँ चल रहा है वो फॉकलैंड, उसमें क्या चीज, फॉल्कन आइलैंड है जिसपे अंटार्कटिका अर्जेंटीना और यूके का लड़ाई चल रहा था, जिसपे फॉल्कन आइलैंड उधर ही है। वही है वही है, वही पास में ही है, मतलब फॉकलैंड आइलैंड के नीचे है काफी वेडन हाँ सी, ठीक क्योंकि है, फॉकलैंड लग आइलैंड के काफी नीचे अंटार्कटिका रहा है। था कहीं मुझे दिख रहा है ये वाले आइलैंड पे दोनों की अच्छा लड़ाई भी हो चुकी है पता है, अर्जेंटीना और यूके की। फॉकलैंड आइलैंड के ऊपर ना, हाँ भारी लड़ाई हाँ हो हाँ चुकी है। उसमें तो डिस्प्यूट चल ही रहा है, हाँ हाँ उसमें डिस्प्यूट है। अगला अरे क्वेश्चन यार पढ़ता हूँ एक मिनट मैं जरा चार्जिंग पे लगा लूँ ये एकदम से बैटरी। हाँ चलो चलो पढ़ो तुम पढ़ो। With reference to the Central Vigilance Commission, consider the following statement is a constitutional body? नहीं, नहीं है constitutional में कॉन्स्टिट्यूशनल appointed बॉडी नहीं है, by the president, ये सही हो सकता है, appointed नहीं by गलत है president. गलत है, प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता, उसमें 3 लोग होते हैं मिलके जो अपॉइंट करते हैं। अरे नहीं तो मतलब फाइनल तो प्रेसिडेंट ही करता होगा ना, अच्छा अपॉइंटेड यार दिया ना पता नहीं मुझे, ये नहीं दिया कि कौन सा बॉडी मतलब कौन सा कोई हाँ कौन हाँ सा हो सकता है भाई हो कमिटी वगैरह सकता है, है। ये पूछा, सीधे अपॉइंटमेंट पूछा है, इट्स चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, मतलब पता नहीं भाई हो जो सकता। अंडर द साइन क्या कहते हैं, अंडर द सील ऑफ प्रेसिडेंट होता है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्रिविलेज टू, ये लिख के जो आता है पत्र, हो सकता जी है बी होगा फिर शायद, हाँ लग रहा है क्योंकि ऐसे सभी के तो वही करते हैं, जैसे ये सिविल सर्विसेज यूपीएससी जो पास कर लेते हैं उनको पास भी वही लेटर आता है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट, हाँ वो तो सही कह रहे अंडर द बी है, हैंड हाँ इन ऑफ प्रेसिडेंट, क्या बी है इसका आंसर, देखते हैं संथानाम कमेटी की रिकमेंडेशन में बना था ना कहाँ पे है सीबीसी। सीबीसी। और इसका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन ठीक है, गवर्नमेंट ने 1964 बाय एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन नेहरू पे ऑफ संथानाम गवर्नमेंट कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था। अब तो ये कमिटी, स्टैचुटरी बॉडी हो गई है, लेकिन जब बनी थी तो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। तो मतलब एक्ट लाए थे इसके लिए, कहाँ पे है ठीक दिख है नहीं तो रहा मतलब इसमें। इसमें पावर्स ज्यादा मिल गई हैं, और इसमें जो चुनता है वो उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर नहीं स्पीकर होता है शायद। ये रहा लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, प्राइम मिनिस्टर, हाँ और देखो नहीं हैंड अमित एंड शाह फीट, चुनता है, ये रहा अमित ना शाह भी चुनता है अभी, अमित शाह चुनता है सीबीसी वालों, मतलब पीएम प्रेसिडेंट तो हो बाय गई वारंट, ये तो ऑब्वियसली। वहां से कर रहे थे ना, ये प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, तो इसका हाँ मतलब हाँ हाँ जो बिल्कुल, लिखा हुआ प्रेसिडेंट ही अपॉइंट ही है, मतलब अपॉइंट करेगा उसको हाँ अंटिल द मतलब कि प्रेसिडेंट की एक्सपायरी। जगह कोई और नहीं कर सकता हाँ वारंट उसके अंडर। नाम ही साइन लिख के आएगा नीचे, बाकी कोई उसको चुने लेकिन साइन महामहिम राष्ट्रपति का ही होगा, बिल्कुल नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर इम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो नहीं दिखा मुझे कहीं कि क्या कहते हैं, बस 3 लोग हैं इसमें, होम हाँ 3 लोग मिनिस्टर, हैं, प्राइम लीडर ऑफ अपोजिशन तो कोई है ही नहीं फिलहाल, तो अधीर रंजन चौधरी को लेंगे, चलो ठीक हाँ अधीर रंजन है। चौधरी होगा। लीडर ऑफ कांग्रेस तो है नहीं सही से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद द रेफरेंस टू द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज इनवोक्ड टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी कमिटी ऑफ ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, लेजिस्लेशन इफ इट डायरेक्टली सही इन्फ्रिंज एनी फंडामेंटल राइट द सही है सुप्रीम पहले कोर्ट तो। ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन इन द केस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, सही है ये बिल्कुल हाई सही है, कोर्ट को भी है ना यार, आर्टिकल 32 लिखा है ना, अगर 226 एक के तहत होता है हाई कोर्ट को, लेकिन आर्टिकल 32 के कंटेक्स्ट में बताना है चीजों को, सेकेंड तो मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन शायद तो ये सेकेंड वाले में ये एक्सक्लूसिव दिया ना, एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन, तो सेकेंड वाला तो गलत मुझे होगा डाउट, शायद, तीसरा पढ़ लेना, इट इज द मुझे भी बेसिक डाउट कॉन्स्टिट्यूशन तो लग गया। कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम अवे इवन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल सही है अमेंडमेंट, ये सही तो ठीक है, लेकिन ये सेकेंड वाले में सही, एक्सक्लूसिव में गड़बड़ आ रहा हाँ है मामला, एक्सक्लूसिव मुझे भी गड़बड़ लग रही है, एटीन क्योंकि का हाई कोर्ट भी करता कॉन्स्टिट्यूशन है तो 1 एंड 3 होना चाहिए फिर, सेकेंड हटा दिया तो वन वन एंड एंड थ्री होने, देखते हैं इसका आंसर, वन एंड थ्री होगा। हाँ ठीक, देखो अब इसका ऑप्शन क्या है, आंसर तो वैसे सी है, वो देखते हैं क्यों है, एक्सक्लूसिव की वजह से गड़बड़ हुआ है इसका मुझे लग रहा हाँ उसकी वजह से ही गड़बड़ होगा, क्योंकि है। हाई इज टू कोर्ट भी है। प्रोवाइड गारंटीड इफेक्टिव एक्सपीडिशियस इन एक्सपेंसिव एंड समरी रेमेडी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ओनली द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी एनफोर्स्ड अंडर आर्टिकल 32 एंड नॉट एनी अदर राइट लाइक नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट्स, कस्टमरी राइट्स एंड सो ऑन, इन अदर वर्ड द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 कैन नॉट डिटरमाइन द क्वेश्चन, कैन नॉट डिटरमाइन द क्वेश्चन दैट डज नॉट इन्वॉल्व फंडामेंटल राइट्स, ठीक है आर्टिकल 32 कैन नॉट बी इन्वोक सिंपली बट टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और अनलेस, लेजिस्लेशन। मतलब अगर उसने हाँ हाँ फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं करा है तब
तब मामला डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, अंडर आर्टिकल 32 नहीं जाएगा। हाँ, इन केस ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव। इट इज कंकरेंट टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट आर्टिकल 32 इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन नॉट बी अब्रीज्ड बाय टेकन बाय द। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ो। यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, कल्चरल डिस्टिंक्टनेस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसी की वजह से जो पौंडीचेरी है वो मतलब कि अलग बनाया गया उसको, क्योंकि वहां पे फ्रांस के लोग, फ्रेंच बोलने वाले लोग पाए जाते हैं। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी ठीक है क्योंकि अंडमान एंड निकोबार, इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल पीपल पता नहीं, ये भी फोर्थ तो पक्का सही है। अरे ये भी तीसरा भी सही होगा, बाहर से घुस जाएंगे ट्राइबल्स को दिक्कत होने लगती है, ये भी सही होगा, तीसरा भी होगा। और वहां पे नहीं है एक नील आइलैंड करके है अंडमान, वहां पे जाने नहीं देते किसी को। सही बात है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन के लिए दिल्ली हो जाएगा, तो चारों ही हो गया। अमेरिकन वो गया तो उसको मार के फेंक दिए थे वो लोग। सेंटिनलीज आइलैंड पे चला गया था ना वो। हाँ, सेंटिनलीज नाम है ना, ट्राइब का नाम है शायद। सेंटिनलीज ट्राइब थी। एलन चाऊ गया था, एलन चाऊ कन्वर्जन के लिए गया था वो मिशनरी। The Union Territories in India have been created for a variety of reasons. They are mentioned below. Political and administrative consideration, Delhi and Chandigarh. Delhi and Chandigarh. Cultural distinctiveness, Daman and Diu, Dadar and Nagar, Puducherry, strategic command, Andaman and Nicobar Island, special treatment for the care of backward, Mizoram, Manipur, Arunachal have become this. ठीक है, Arunachal which later become, इसका नाम कुछ होता है क्या, नेपाल की पता नहीं क्या जैसे कुछ था। इसका नाम हाँ, North East Frontier नेफाई था। हाँ, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ए से पता नहीं क्या था। क्वेश्चन 20 पढ़ा। हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल विद इन द परव्यू ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज गारंटेड अंडर आर्टिकल 19। तो फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी होगा इसमें, ठीक है, राइट टू स्ट्राइक भी हो गई, राइट टू टेलीकास्ट भी हो गई, और राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट, आरटीआई, आरटीआई तो आर्टिकल 19 में ही आता है, तो चारों ही होंगे। चारों होना तो चाहिए, क्योंकि टीवी वाले भी चिल्लाते रहते हैं हमारा फ्रीडम है, फ्रीडम है, राइट टू टेलीकास्ट, तो चारों होना चाहिए, राइट टू टेलीकास्ट, सब वही है, चुप रहने का भी अधिकार है, किसी को नहीं बोलना है तो चुप रहेगा। ये दे रखा है, तू गलत, राइट टू स्ट्राइक नहीं है यार, राइट टू स्ट्राइक को हाँ कोर्ट जजमेंट से मना किया, गलत बात है, गलत किया था, राइट टू प्रोटेस्ट है, स्ट्राइक नहीं है। हाँ, ये प्रोटेस्ट है, स्ट्राइक नहीं है, प्रोटेस्ट पढ़ के ऐसे लगा दिया हमने, बताओ यही होता है। हाँ, यही गड़बड़ हो गई, प्रोटेस्ट है, स्ट्राइक नहीं है, स्ट्राइक मना किया था किसी जजमेंट में, कहीं पे मना किया था, जजमेंट का नाम मैं भूल गया, वो जजमेंट लिखा भी है नोट्स में तो लिख रखा है, पता नहीं कौन सा जजमेंट का, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया स्ट्राइक के लिए बोल रही थी, तो कोर्ट ने कहा था कि भाई स्ट्राइक करके तुम बंद को भी मना कर दिया। अरे इसमें ही तो बोला था, किसान वाले में भी कोर्ट ने बोला था कि आप भले कहीं कुछ भी जाम करें लेकिन रोड ना जाम करें, क्योंकि लोगों को आने जाने में दिक्कत होती, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था उस वाले में, जब भी हुआ था ना किसान आंदोलन इस वाले, तब भी बोला था कॉजिंग कन्वीनियंस टू कम्यूटर्स, ऐसे कुछ बोला था सुप्रीम कोर्ट ने। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 19(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इंप्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैज द राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यू। मैं इसलिए पूरा पढ़ना दोबारा से कि जब बाद में मैं रिवीजन करना हो तो बस हेडफोन लगाएं, डबल स्पीड आंख बंद करके कर लें, इसलिए जो पता है उसको भी मैं पढ़ रहा हूं, कोई परेशानी नहीं है ना। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इट इंप्लाइज दैट द सिटीजन, एवरी सिटीजन हैज द राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, ओपिनियंस, बिलीफ एंड कन्विक्शंस। The Supreme Court held that the freedom of speech and expression includes the following: right to propagate one's views as well as others, freedom of press, freedom of commercial advertisement, right against tape, right against tape, telephone, against hai ye, right to telecast, freedom of silence, right to know about government activities, right against the imposition of pre-censorship. Agla prashna padha. NCPCR. नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, मतलब ये तो सही होगा, स्टैट्यूटरी बॉडी तो होगी, 1986 में ही बनी होगी शायद। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी, इट हैज बीन डिजाइंड एजेंसी टू मॉनिटर राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये मुझे लगता है कि शायद आता ही होगा इसके दायरे में, पता नहीं, ये वाला तो सही लग रहा है सेकंड, लेकिन पहले में ईयर कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, क्योंकि उतना पहले तो नहीं होगा ये। देखो अगर ये सेकेंड वाले को आरटी राइट टू एजुकेशन तो अभी आया था 2004 की 6 में आया था, मतलब अभी रिसेंट में आया था ना ये एक्ट, तो 2010 में बना, मनमोहन सिंह ने बनाया एक्ट, तो
तो ये मतलब रीसेंट का है ना ये, और ये 1986 का दे रखा है। तो दोनों साथ में नहीं हो सकते इस पे मतलब वो शायद। ये वाला पहले में डाउट लग रहा है मुझे, सेकंड तो इट हैज बीन डिजाइन। अगर देखो अगर इसके लिए डिजाइन किया होगा तो ये लेट में आया तो इतना पहले तो कोई मतलब नहीं बन रहा है ना, सीधी सी बात है। ये बात तो सही कह रहे हो। हैज बीन डिजाइन एज द एजेंसी टू मॉनिटर प्रोविजंस ऑफ द आरटी। अच्छा ये तो सही कह रहे हो भाई, मैंने में ये गलत लग रहा है, बाकी तो सही लग रहा है मुझे पूरा। देखते हैं आंसर इसका क्या है। 21 का बी क्या है, बी में क्या दे रखा है, है। टू रखा है, हाँ मतलब पहला गलत क्यों सही है कह ये रहे, देखते हैं, पहला गलत बाद क्यों में है, एक सेकंड, पहला गलत 2005 में बना है, 2005 में 2005 बना है वही। ये रहा, इसमें 1986 दे रखा है, बताओ वर्ल्ड कप के टाइम पे दे हाँ रखा है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स इज ए स्टेट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। द कमीशन वर्क्स अंडर द एजिस ऑफ वुमेन, मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर इम्फेसाइजेस दैट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सैलिटी एंड इनवायोलेबिलिटी ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड रिकॉग्नाइजेस द टोन ऑफ अर्जेंसी इन ऑल चाइल्ड रिलेटेड पॉलिसीज ऑफ द कंट्री। फॉर द कमीशन द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन एज 0 to 18 ईयर्स ऑफ एज इज इक्वल इक्वली इम्पोर्टेंस इज ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। द कमीशन शैल बी परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, नेमली एग्जामिन एंड रिव्यू द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड बाई एनी लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, रिकमेंड मेजर्स फॉर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, रिकमेंड मेजर्स प्रेजेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रिपोर्ट्स अबाउट वर्किंग ऑफ इसको सेफगार्ड्स। देता है अपॉन चाइल्ड वर्किंग राइट्स का ऑन। उल्लंघन होगा तो भाई इंक्वायरी भी करेगा और वो सारे फैक्टर्स को मतलब एग्जामिन करेगा जो रोकते हैं एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय टेररिज्म, कम्युनल वायलेंस और राइट्स। ठीक है, नीड ऑफ स्पेशल केयर एंड प्रोटेक्शन हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द एजेंसी टू मॉनिटर प्रोविजंस फ्री आरटीई एक्ट। अंडर द एक्ट एनसीपीसीआर कैन इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स एंड हैव द पावर ऑफ अ चाइल्ड सिविल कोर्ट इन ट्राइंग केसेस। अच्छा सिविल कोर्ट की पावर है, यानी क्वासी जुडिशियल बॉडी हो गई है, तो सिविल कोर्ट की पावर आ गई तो बढ़िया। सिविल प्रश्न कोर्ट की पढ़ते पावर ये हैं। नई चीज थी। 22 पढ़ो प्रश्न परख तो हाँ करेंट। मतलब परख पोर्टल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट विल कंडक्ट असेसमेंट फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एट स्कूल, हो सकता सही होगा। मुझे नहीं और इट पता, इज इंक्लूड लॉन्च बाई ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, यार AICTE स्कूल के लिए भी काम करती है, कॉलेजेस को देती है शायद ये एक्रेडिशन तो टेक्निकल कॉलेजेस को ही देते हैं बस। ये क्या लिख रखा है, ये नया पोर्टल है और कोरोना के बाद मुझे लग रहा है ये कुछ परख पोर्टल, नाम से तो लग रहा है कि सुना तो असेसमेंट है। वाला हाँ है परख। असेसमेंट ये परख ना किसी चीज को, सही बात है। असेसमेंट फॉर बोथ मेरे हिसाब से वन तो पक्का ही सही होगा, पहला क्या वन तो ठीक होगा मेरे हिसाब से वन तो। होते हैं अब आंसर टू क्या जो है। है, 22 टू भी पता नहीं। इट इज लॉन्च ठीक बाई है, ऐसे वाइल्ड गेस करना भी फायदा नहीं ना, मान लो लगा दिया तो ठीक है तो क्या ही मिल गया जब पता ही नहीं था। विल कंडक्ट असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फैकल्टी मेंबर्स ऑफ हायर एजुकेशन हाँ हायर इंस्टीट्यूट। एजुकेशन पे वही मैं सोच रहा था ना, अगर स्कूल का होगा। अच्छा स्कूल और हायर एजुकेशन दोनों का ही है तभी AICTE देख रहा है, केवल स्कूल का होता तो फिर मतलब कैसे देखते AICTE। केवल स्कूल का होता है तो बोर्ड देखता है, सीबीएसई जिसका बोर्ड होता है, सीबीएसई आईसीएसई या हाँ जिस वही 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 बोर्ड वही पे, वही और ये टेक्निकल वालों का ये देख रहा है, लेकिन ये दे रखा है फैकल्टी मेंबर्स को भी ये इवेल्युएट करेंगे, असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एंड स्कूल। स्टेटमेंट टू क्रेडिट इज लॉन्ग बाई AICTE इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एंड नेशनल एपेक्स लेवल एडवाइजरी बॉडी टू कंडक्ट सर्वे ऑफ ऑन फैसिलिटीज अवेलेबल फैसिलिटीज फॉर अवेलेबल टेक्निकल एजुकेशन। एजुकेशन हाँ सही है, टू मतलब AICTE प्रमोट। देखता एक और भी है नहीं एक्रेडिटेशन जो देता है, क्या कहते हैं, एनबीए कहते हैं कि पता नहीं क्या कहते हैं। बोलने वाला था, नेशनल बोर्ड ऑफ एजेंसी NBA है वो शायद। हाँ सही है। तो इसका हो गया कौन सा था, पहला नहीं, दोनों। CC दोनों हो गए। अगला प्रश्न अब पढ़ें। बताए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्राइमेसी टू द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स ओवर द राइट्स ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, मतलब इंडियन लिबरलिज्म, क्योंकि लिबरलिज्म में तो सोसाइटी के लेवल पे व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण होता है समाज से, तो ठीक है पहले तो।
अब रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी कम्युनिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन आर एन एग्जांपल ऑफ इंडियन लिबरलिज्म, नहीं भाई इंडियन लिबरलिज्म का एग्जांपल मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, ये अफर्मेटिव एक्शन की बात होनी चाहिए, शायद वन होगा। और तुम बताओ क्या लग रहा है तुम्हें? प्रोमिसी टू द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल ओवर द राइट्स ऑफ कम्युनिटी, ये तो सही तो लग रहा है, लेकिन हर जगह नहीं एप्लीकेबल है ये राइट्स ऑफ कम्युनिटी, क्योंकि जहां जहां ये ट्राइबल्स की बात आ जाती है ना, वहां पे राइट्स ऑफ कम्युनिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये एकदम लेकिन एब्सोल्यूट इसमें नहीं हो पूछा, पाता। हाँ मतलब अगर हम कहें जो इंडियन लिबरलिज्म है तो लिबरलिज्म तो लिबरलिज्म शायद, केवल लिबरलिज्म के हिसाब से देखें तो ये गलत है, लेकिन अगर इंडियन लिबरलिज्म देखें तो कहीं कहीं कम्युनिटी राइट्स ज्यादा है इंडिविजुअल राइट्स से, हाँ ये बात भी सही कह रहे हो भाई, तो इंडियन लिबरलिज्म के जैसे हिसाब इंडियन से तो सेक्युलरिज्म और सेक्युलरिज्म वाला है ना, वही वाला कुछ कुछ ये भी है, तो हाँ, वो इसमें भी आ जाएगा, इसलिए थोड़ा इंडियन सा लिबरलिज्म टू राइट्स ऑफ रिजर्वेशन। इंडिविजुअल्स वो तो राइट्स ऑफ कम्युनिटी रिजर्वेशन फॉर एससी, तो पहला तो गलत हो गया फिर, तो हो सकता है फिर दूसरा सही होगा फिर। एक सेकंड फिर से पढ़ने दे, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी कम्युनिटी इज द इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर एन एग्जांपल ऑफ इंडियन लिबरलिज्म, ये तो सही लग रहा है, पहले में मुझे डाउट लग रहा है, इसलिए क्योंकि इसमें दे रखा है कि इंडियन सही कह रहे लिबरलिज्म हो, दे, सही आंसर कह रहे देखते हो, हैं। क्योंकि इंडियन लिबरलिज्म है ना, तो बी होगा इसका फिर। 23 का B, हाँ देखो 23 का B क्या है आंसर इसका, सही, ओनली 2। देखिए यही रीजन होगा, पहले वाले में देखना मेरे स्टेटमेंट, अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, पक्का ट्राइबल्स यही होगा। क्या दे रखा है, इंडियन लिबरलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम देखो एग्जैक्ट वही हाँ चीज है, फ्रॉम जब वेस्टर्न भी लिबरल, इंडियन लगा दे ना, मतलब वहीं पे घंटी बजा, इंडिविजुअल फ्रीडम क्लासिकल इंडिविजुअल लिबरलिज्म, फ्रीडम, वेल इन इंडिया क्लासिक लिबरल। इंडिविजुअल आइडेंटिफाइज इटसेल्फ विद द कम्युनिटी, जैसे हम ये हैं, हम फलाने, हम ब्राह्मण हैं, ये हैं वो हैं, टू विच ही और शी बिलोंग्स, सो इंडियन लिबरलिज्म गिव प्रेमिसी टू द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल ओवर द डिमांड ऑफ द सोशल जस्टिस एंड कम्युनिटी वैल्यूज, और ये गिव्स ट्राइबल्स प्राइमेसी टू द के राइट्स केस ऑफ में भी इंडिविजुअल्स ऑफ द लागू डिमांड ऑफ होता है। सोशल जस्टिस एंड कम्युनिटी वैल्यू। रिजर्वेशन टू डिप्राइव क्लासेस टू मीट द डिमांड फॉर सोशल जस्टिस सिग्निफाइज द आइडिया ऑफ इंडियन लिबरलिज्म, सही है, ठीक सही है। है भाई, बिल्कुल हाँ ऐसे तो क्वेश्चन आ भी रहे बिल्कुल। ना पेपर में, हाँ ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं लिबरलिज्म आजकल, उससे क्या एनालिटिकली आते हैं। सीखते हैं, और ये ऐसे पहले बार में पढ़ के तो लग रहा है कि हाँ गलती है, अगर ध्यान से ना पढ़ो तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज हैज बीन टेकन बाय द NHRC इश्यू मेनू स्कैवेंजिंग, ठीक है, प्रॉब्लम्स फेस्ड सही बाय है, द नोटिफाइड एंड री नोटिफाइड ट्राइब्स, नहीं ये तो नहीं होगा। इश्यूज रिलेटेड टू द राइट राइट टू हेल्थ, ये वाला तो इसके लिए तो अलग से कमीशन है ही, तो NHRC तो कोई मतलब नहीं है, जब इसके लिए हाँ वही लग तो ऐसा ही रहा है कि मतलब केवल वन ही होना चाहिए, क्योंकि इनके लिए तो है ही। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है ही, हाँ और उसके अलावा राइट टू हेल्थ की अगर हम बात करें तो उसमें भी नहीं, एनएचआरसी, मतलब ऐसा। वो बस केवल जो है NCST जो है, जो नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब है, वो बस केवल से नोटिफाइड ट्राइब्स को ही देखते हैं मुझे लगता है, ये डी नोटिफाइड भी लिख रखा है, देखो यहाँ पे डी नोटिफाइड भी दे रखा है, मेरे तो हिसाब से इसका वैसे NHRC 1, 2, 3 तीनों हो जाएंगे, क्योंकि होना चाहिए। एनएचआरसी और जो जितने कमीशन्स हैं उनके फंक्शंस में बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग होती है, और इसमें तो ये कैटेगरिकली मेंशन कर रखा है डी नोटिफाइड, देखते हैं इसका क्या है। अच्छा इश्यूज डी नोटिफाइड रिलेटेड ट्राइब का मतलब क्या होता है मुझे ठीक से? नोटिफाइड मतलब जिनको नोटिफाई किया गया है, और डी नोटिफाइड मतलब हाँ, जो नहीं नोटिफाई किया, जिसको सरकार ने मान लो मैं माना नहीं है कि मतलब ये ट्राइबल में है, या फिर कुछ कुछ ऐसे भी होंगे जिनके बारे में पता ही नहीं होगा, ऐसे वाले होंगे, फिर देखते हैं क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि जिनके बारे में ना पता हो या फिर जंगल में रहते हो, जैसे वो है डी नोटिफाइड में होंगे, सेंटिनलीज जो थे ना, वो आ सकते हैं डी नोटिफाइड में, क्योंकि उनसे कोई मतलब ही नहीं इनको, हो सकता है और ये सी नोटिफाइड होगा वाले फिर हैं इसका। जिनको रिजर्वेशन चाहिए, या फिर ये सब होता है जिनको मतलब कुछ सरकार से लेना देना है, देखते हैं क्या आंसर। वैसे एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, इश्यूज सही कह रिलेटेड रहा विद हूँ, द राइट टू हेल्थ, ये तो हो सकता है। हो सकता है तो तीनों ही होंगे फिर, अगर 1 और 3 है तो 1, 2, 3 तीनों ही हो जाएंगे, अच्छा देखते हैं देख इसका लेते हैं एक आंसर बार। कौन सा है, सी हाँ सी में तीनों क्या है, है, 1 2 3, यार तीनों है, ये कहाँ से आया, क्योंकि इस डी तरीके का क्वेश्चन मेंस में भी आया हुआ है कि इतने सारे जो कमीशंस बने हुए हैं उन सबके जो फंक्शंस हैं वो एनएचआरसी के साथ में ओवरलैप होते हैं, तो क्या सारे जो कमीशंस हैं उनको मर्ज करके सिर्फ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का ही जो मतलब कि जो एम्बिट है उसको वाइड कर दिया जाए, मतलब ऐसा नहीं क्वेश्चन तो मेंस में आया हुआ है। अभी ये ओबीसी के लिए अलग से बना रहे हैं, तो ऐसा मतलब ये तो मतलब सही बात नहीं है वैसे, क्योंकि अभी जल्दी तो बनाया है ओबीसी के लिए दो हाँ तो साल उसके एक आंसर में यही लिखना है फिर कि क्या कहते हैं, नहीं सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, तो मतलब कि डिमार्केशन करना चाहिए हमें कि ओवरलैपिंग ना हो। बिल्कुल सही, हाँ इसका आंसर पढ़ लेते हैं। वैसे हम द नेशनल NHRC इज ए स्टेट्यूटरी पब्लिक बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, बॉन्डेड लेबर, राइट टू फूड, चाइल्ड लेबर कन्वेंशन, प्रोटेक्शन
protocols in the Convention on Child Rights of India, trafficking in women and children, maternal amenia. देखो ये क्वेश्चन पूछेगा तो पता लगेगा कि नहीं होगा. सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्क, मैनुअल स्कैवेंजिंग, दलित इश्यूज. देखो दलित इश्यूज भी इसमें और एसटी वाले भी कर सकते हैं. ठीक है वही बिल्कुल. तो प्रॉब्लम तभी तो मैं कह रहा था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब दोनों का ही जो नेशनल कमीशन है उससे इसके फंक्शन ओवरलैप होते हैं ना. इश्यूज रिलेटेड टू राइट टू हेल्थ, एचआईवी एड्स. ठीक है सब आ गया, मतलब जितने भी चीजें हो सकती हैं इंसान को दिक्कत सब आ जाएंगी उसमें. हाँ ये भाई ये रिपोर्ट उपोर्ट तो याद नहीं, बता दो इसका आंसर मुझे नहीं. वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, इसका भी तरीका होता है मतलब सोचने का. जैसे वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट दे रखी है. अब आईएमएफ का काम क्या होता है, याद करने का कोई तरीका है एकदम शॉर्ट एकदम कि ये कर ले तो याद हो जाए? लॉजिक, लॉजिक से नहीं कर सकता है. मतलब जैसे कि जो मुझे समझ में आता है आईएमएफ तो गलत है, डी गलत है 100%. वही वही 100% गलत हो गया. पहले और दूसरे में से कोई होगा तो इसका तो नाम उतना कोई सुन नहीं लग रहा है. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉइज तो आईएलए लगा सकते हैं इसका, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक. बी और सी, वैसे मुझे लगता है शायद सी भी हो सकता है, पता नहीं. मतलब बी और सी में से ही होगा कोई ना कोई, ए तो नहीं होगा, ए तो कभी सुना ही नहीं है. हाँ होता भी है ऐसा, जरूरी नहीं कि जो सुना ना होता 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 भी है. देखते हैं आंसर इसका. सी शायद या बी लग रहा बी है. अच्छा बी, हाँ बी है वही, आइए लो बी है. अभी ऐसे वाले क्वेश्चन तो गलत हो, अगर आ रहे तो आ रहे, नहीं तो नहीं आ रहे, सीधी बात है. हाँ इसका कोई तो ये तो वही है भाई, रटा हुआ है तो हो जाएगा. फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑफ आईएलओ वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 वार्न्स ऑफ स्लो एंड अनसर्टेन रिकवरी एज द पेंडेमिक कंटिन्यूज टू हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन ग्लोबल लेबर मार्केट्स. इट एग्जामिन्स द इंपैक्ट ऑफ द क्राइसिस ऑन ग्लोबल एंड रीजनल ट्रेंड्स इन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड लेबर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन participation as well as on the job quality and informal employment and working poverty. It also offers an extensive analysis of trends in temporary employment both before the ठीक है during the COVID-19 crisis. मुझे कहाँ नहीं लिख रखी है कुछ नहीं इसमें. इसमें कुछ है नहीं, मतलब वो भर रखा है इन्होंने ना, पढ़ेगी हो जाए बस. फैक्ट याद होना चाहिए बस. अब इलेक्शन कमीशन जो है कंडीशंस ऑफ ऑफिस एंड टेन्योर आर्टिकल 324 में लिखी है. यार ये टेन्योर पे मामला, मुझे टेन्योर कितने साल का होता है इलेक्शन कमीशन का? 6 साल का होता है लिखा ही होगा. हाँ अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्सरसाइजेस वीटो पावर ओवर द मैटर्स डिस्कस्ड इन द इलेक्शन कमीशन. गलत हो गया यार, वीटो तो नहीं होती. नहीं लास्ट में इनके पास पावर होती है ना कि लास्ट में मान लो अगर टाई होता है तो यही तो लेते हैं डिसीजन फाइनल. हाँ तो मतलब कि वो देखो ना, तो उसमें 2-1 से हुआ ना, वीटो नहीं हुई. अगर मान लो दोनों इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कहते हैं ये नहीं होना चाहिए और ये वीटो लगा दे, मतलब मुझे तो गलत लग रहा है वैसे. इक्वल्स वाला केस है इनका भी है. हाँ वही तो, केस होगा तो वीटो तो नहीं कह सकते. हाँ सही बात है, वीटो नहीं इक्वल है, वीटो लेकिन होता है कि डिसाइडिंग वोट कहते हैं इसको. हाँ हाँ ठीक है, वीटो नहीं है, डिसाइडिंग वोट होता है इनका. वीटो का मतलब तो ये हो गया कि दोनों कुछ और कह रहे हैं ये कुछ और कह रहा है, सही बाकी सब गलत. क्योंकि अगर टीएन शेषन का केस याद हो तो जब दो इलेक्शन कमिश्नर्स को और जोड़ दिया गया था तो टीएन शेषन ने कहा था कि इन दोनों को इसलिए लाया गया ताकि मेरी शक्ति कमजोर करी जाए. टीएन शेषन बहुत फेमस इलेक्शन कमिश्नर माने जाते हैं ना देश के, तमिलनाडु गए थे ना वो, जल्दी उनका डेथ हुआ था शायद. हाँ उनकी अभी डेथ हुई है. सीईसी डज नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर, ये तो तीसरा तो गलत है. और सही है सही है सही है, सीईसी डज नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. सही है, मतलब क्या स्टेटमेंट क्या लिखा है, कुछ गलत नहीं लिखा है. सीईसी डज नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, अगर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट अगर होल्ड होता तो उसका मतलब क्या हुआ, जब भी सरकार चाहेगी इसको हटा देगी. हाँ लेकिन तो इसको हटाया कैसे जाता है, इसको हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, तो तीसरा गलत हो गया. वो ले आते हैं ठीक है, तो मतलब जब भी मर्जी से नहीं हटा सकते राष्ट्रपति इनको. ठीक है तो तीसरा मर्जी से हटा देंगे तब तो वो कठपुतली हो गया ना, तो इसका डी होना चाहिए फिर. यार वन ओनली है किसी ऑप्शन में? वन ओनली तो नहीं है, 1, 2, 3. अच्छा क्या कौन सा सही है? अच्छा तो तीसरा सही है ना, डज नॉट होल्ड ऑफिस सही तो है तीसरा. हाँ वन एंड थ्री ओनली मुझे लग रहा है इसका, वन एंड थ्री होगा. हाँ वन एंड थ्री तीसरा सही है ऑप्शन. वाला तो गलत ही है, तीसरा ही लग रहा है, देखते हैं. कितना हो गया, 24 का 26 का बी, 26 का बी. ओ भाई साहब पहला वाला आर्टिकल गलत है क्या? आर्टिकल 324 ही है वैसे, आर्टिकल 324 में देर दिया है इलेक्शन कमीशन का. रुक जाओ देखते हैं, वैसे इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल तो मुझे याद है 324 ही है. ये मुझे लग रहा है इन्होंने गलत दे रखा है भाई.
नहीं 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 गलत कुछ कंडीशन वाले देखते हैं क्या दे रखे। कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड द रीजनल डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, आर्टिकल में नहीं दे रखा है ये, आर्टिकल 324 इलेक्शन हाँ मैं क्या कह रहा था, मैंने कहा टेन्योर, यार टेन्योर का श्योर नहीं है, आर्टिकल 324 के साथ प्लेनरी पावर्स मिलती है इसको कि मतलब वो टेन्योर में मुझे हर 5 साल में। ठीक है, पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस देखो ये दे रखा है, डायरेक्शन कंट्रोल एंड कंडक्टिंग इलेक्शन इन द लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन अमंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर वन और टू इलेक्शन कमिश्नर द मैटर इज डिसाइडेड बाय द कमीशन बाय मेजोरिटी। मेजोरिटी ही कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन द मैनर ऑन द सुप्रीम कोर्ट एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। In other words, he can be removed by the president on the basis of resolution passed by that effect of the both houses of parliament with a special majority, either on the ground of the proved misbehavior or the incapacity. Thus, he does not hold the office until the pleasure of the president, though he is appointed by him. अगला प्रश्न, तो इसका क्या था? B हो गया, इसका पहला भी गलत हो गया ना? B था ना? कितने? 1 घंटे हो गए हमें? 1 घंटे में कितने क्वेश्चन हुए? 26 क्वेश्चन, बहुत स्लो जा रहे हैं क्या हम लोग? ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हो भी जाएगा और ऐसे पता है क्या मोनोटोनी, मतलब मोनोटोन नहीं होता, और ऐसे ये भी रहता है कि बाद में रिवीजन में सबसे आसानी रहती है ऐसे कर लो तो। इससे ये भी रहता है रोज हो भी जाता है, आपसे मत भी नहीं करता नहीं तो ऐसे सोचता है कि हाँ ठीक है कर रखा है, हो रहा है वो, ठीक है हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजंस, तो प्रेसिडेंट रूल पे तो कोई फर्क नहीं होता, वन गलत हो गया। ठीक है, यानी टू पक्का सही है। फंडामेंटल राइट पे होता है तो इफेक्ट यार, एक में प्रेसिडेंट रूल में कहां होता है, 20 और 21 छोड़ के बाकी सब पे असर पड़ता है। अरे भाई प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन लगा है, गवर्नर वाला है ना। ठीक है ठीक है, राष्ट्रपति शासन है इसमें तो क्या है, सरकार गिर जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी वहां की, टू और थ्री तो नागरिकों पे कोई फर्क नहीं है, टू एंड थ्री होगा। तो उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया भाई, वो मैंने पढ़ लिया वो आपातकाल वाला। हाँ हाँ वो हो जाता है एकदम से ना प्रेसिडेंट कई बार, क्योंकि इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो ईजी था, आसान था क्वेश्चन, देखा है तो एक दो छोड़ के सारे आसान ही है, करंट वाले छोड़ दो, दे रखते होते ना इन लोगों ने, मतलब कि लगे भी अभी, ये बिल्कुल पहला टेस्ट है ना इनका, 10वां 11वां टेस्ट है। लेवल मतलब किसी ने ठीक से ना पढ़ा तो भाई ये भी बड़ा मुश्किल लगता है। हाँ तो और विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव, जैसे केस वाला मुझे नहीं याद रहता, केस किसका, केस कौन सा क्या है, किस लिए, ये वाला नहीं याद रहता, आर्टिकल नहीं याद रहता मुझे सीधे सीधे। तो केस तो रटे हैं यार मैंने, केस और आर्टिकल तो पढ़ लिया क्योंकि मेंस के आंसर लिखने में काम आता है वो। दूसरा सही है, इसी के तहत नालसा बना है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी आर्टिकल 39A, ये पक्का सही है। फिर आता है फोर्थ वाला है हिंदी लैंग्वेज, गलत है, हिंदी का तो कोई लेना देना नहीं है डीपीएसपी से, पहले से ही था कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले से ही था आर्टिकल 51 है शायद इसका, 351 जिसके तहत ये है कि हिंदी को संपर्क भाषा बनाना है देश की, 351 351 हाँ 351A है शायद, टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम। हाँ ठीक है, यही है लग रहा है, मैंने मुझे कंफर्म, टू और थ्री होगा, टू और थ्री है। हाँ देख लेते हैं ऑप्शन, देखो पता चलेगा कितने दे रखे हैं, उसी टाइम पे ऐड किया था क्या प्रीएम्बल में, वो भी क्या कहते हैं। हाँ आर्टिकल 39 है, 39B है ना, 39B और सी, देखो 39A बात करता है लीगल एड टू द पुअर की, जिसके तहत नालसा बना है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, और जो 39B और सी है वो इनइक्वालिटी दूर करने वाला है, तो टू और थ्री होना चाहिए। देखो एक बार, हिंदी तो हो ही नहीं सकता, फोर तो गलत है ही, इसका तो अलग से आर्टिकल ही है ना फिर। हाँ आर्टिकल 350 देखते हैं इसमें, देखो क्या 42nd अमेंडमेंट Act 1976 to secure opportunities for healthy development of children under Article 39, ठीक है, to promote equal justice and to provide legal 39A. Article 39A, ठीक है, to take steps to secure the participation of workers in management of industries, Article 43A, to secure opportunities, ये 42nd से इतने सारे ऐड किए इन्होंने, हाँ तो उसके पहले आर्टिकल 39 क्या था फिर, जब इन्होंने ऐड किया है तो फिर
आर्टिकल 39 में कुछ और चीज थी, मुझे ध्यान नहीं आ रही अभी। आर्टिकल 39 ए में खाली थोड़ी छोड़ा रखो, कुछ तो होगा वहां पे, देखना पड़ेगा इसको, देख लेंगे बाद में। आर्टिकल 33 ए पे रिवाइज करना पड़ेगा एक बार। टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर्टिकल 39 टू प्रोटेक्ट एंड ये ऐसा भी होता है कभी सेंटेंस बदलते हैं बस, जैसे मान लो कुछ इसमें ऐड कर दिया होगा, मान लो हेल्दी लिख दिया डेवलपमेंट की जगह हेल्दी डेवलपमेंट, तो भी अमेंडमेंट ही माना जाता है उसको, तो ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन आर्टिकल 39 जो लिखा है, लिखा तो है इसमें आर्टिकल 39 क्या है, बच्चों के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए है। अमेंडमेंट भी किया है? नहीं नहीं, ये अमेंडमेंट वाला नहीं लिखा है, तो इन्होंने ऐसे ही लिख दिया बस। लीगल एड ये सब दुनिया भर का ये सब बाद में जोड़ दिया, ठीक यही है ना इसमें। और हाँ हाँ अभी इस पे फिर से एक्ट ले आए ये लोग कोऑपरेटिव, इस वाले सेशन में ही कुछ ले आए थे। हाँ वो उसके लिए लेके आना जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स हैं, जो एक ही राज्य में कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। अब कोई ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो एक से ज्यादा राज्यों में काम कर रही है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएगी कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला। इस वाले सेशन में ले आए थे ना ये विंटर सेशन में? हाँ लाए थे। स्टेट तो फंडामेंटल राइट हो गया आर्टिकल 19(1) अमेंडमेंट किसने करा है? ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने करा था 2002 में। उसके बाद इन्होंने ये डीपीएसपी में डाल दिया था राइट टू एजुकेशन 2002 में ही, लेकिन उसको एक्ट नहीं बनाया था। तो मतलब इन्होंने डीपीएसपी में डाल दिया, यानी कि ये राज्य की जिम्मेदारी है कि राज्य जो है जब भी उसके पास में समय होगा वो इस पे काम करेगा। और फिर मनमोहन सिंह सरकार ने 2010 में राइट टू एजुकेशन एक्ट बना दिया, ठीक है। तो 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसको डीपीएसपी में डाला है, उसको फंडामेंटल राइट जो वो बना, मतलब आर्टिकल 19 में आ गया ना तो शायद राइट टू एजुकेशन 19 ए में आ गया, तो वो जो है वो क्या कहते हैं बाद में आया होगा, क्योंकि एक्ट जो है वो बाद में बना 2010 में, 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये, ठीक है। कहां गया, कौन सा क्वेश्चन करते हैं? 28 था ना। हु अमंग द 29 डू होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, डू नॉट होल्ड द प्लेजर। अटॉर्नी जनरल तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पर ही होता है, कैग भी करता है वही होता है। नहीं नहीं, कैग डज नॉट होल्ड, इसमें 2, 3, 4 तीनों आ जाएंगे। जो चौथा 2, 3, 4 कैग नहीं होता है। एक मिनट भाई, एक मिनट होल्ड करना, मेरे जरा फोन आ रहा है। ठीक ठीक, घर से फोन आ रहा है, एक मिनट। अटॉर्नी जनरल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तीसरा चौथा यूपीएससी सही है, तीसरा तीन और चार ऑप्शन ही नहीं है, कैग का कंफर्म नहीं है, दो तीन चार है और पीछे ही देखते हैं आंसर इसका। द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट हैज बीन बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश इन इंग्लैंड, द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर मींस दैट द क्राउन हैज द पावर टू टर्मिनेट द सर्विस ऑफ अ सिविल सर्वेंट एट एनी टाइम दे वांट टू वांट विदाउट गिविंग एनी नोटिस ऑफ टर्मिनेशन टू द सर्वेंट, डज द सिविल सर्वेंट वर्क द प्लेजर ऑफ द क्राउन, civil servant work with the pleasure of the crown which can remove on them which can remove them at any time. The doctrine is based on the concept of public policy. Whenever the crown feels
that a civil servant should be removed from his office because keeping him will be against the public policy. The crown उसका क्या निकला? 2-3-4 ही होगा ना? देखते हैं, मैंने उसमें सीधे एक्सप्लेनेशन पढ़ने लगा, बी लिखा है, 2-3-4 होगा, सही है। इसमें दे रखा है कि ब्रिटिश के टाइम पे ये लिया गया वहां से डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर के वाला, कि ब्रिटिश की जो क्वीन होती है वो चाहें तो किसी सिविल सर्वेंट को हटा सकती है उनका जब तक प्लेजर है, मतलब ये लिखा है। अगला पॉइंट मैं पढ़ता हूँ, इंडिया हैज अडॉप्टेड दिस प्रोविजन थ्रू थ्रू देयर एग्जिस्ट सम मॉडिफिकेशन इन केस ऑफ सिविल सर्वेंट आर्टिकल 310। और क्या लिखा है इसमें, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल तो फिक्स नहीं होता ना, अटॉर्नी जनरल तो जब सरकार बदलती है तो अटॉर्नी जनरल बदल जाता है, सरकार रहती है सभी बदल चुके हैं लोग जब मर्जी हो। बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड द ग्राउंड फॉर इट्स फॉर हिज रिमूवल, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, कैन होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 इयर्स और अप टू एज 65 इयर्स whichever is earlier, he can resign, ये सब जगह he लिखा है, she कहीं नहीं लिखा, he या slash she, he can resign, book में वैसे लिखा है बेहतर, he can resign anytime, क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ अब इसकी जगह दे आएगा अब कुछ टाइम बाद में, हाँ जिस नहीं जब पहले chairperson chairman से हो गया chairperson तो वैसे ही, हाँ हाँ, he can resign at any time from his office by addressing the resignation letter to the president. He can also be removed from the president. If feminist wale jhanda leke pahunch jayenge, he can also be removed by the president on the same ground in the same manner as a judge of the Supreme Court. In other words, he can be removed the president based on the resolution passed by effect by the. ठीक है ठीक है ठीक है यार, ये तो आसानी है, इसमें कुछ है नहीं वैसे पढ़ने का इस वाले क्वेश्चन, क्योंकि यूपीएससी वाले का तो रिमूवल कैसे होता है, वो भी प्रेसिडेंट ही करता है, लेकिन उसमें ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट के लिए बाइंडिंग होगा कि वो सलाह देगा ही, और सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानना भी बाइंडिंग होगा इस वाले मामले में, यूपीएससी वाले में यही लिखा होगा इसमें, द मेंबर्स चेयरमैन के लिए क्या रिगार्डिंग दिस बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ठीक है वही है, और ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे नहीं है, क्योंकि प्लेजर का तो मतलब ये होगा जब मन करा तब हटा दिया, वो तो नहीं होता ना, तब तो यूपीएससी ऐसी इसका भी है, इसके तो सिक्योरिटी होती है, इसके पास तो 6 साल के लिए बनता है, ये टेन्योर है ना उसके पास में, और हटेगा कैसे, हटेगा भाई सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ सॉरी, मतलब कि पार्लियामेंट में जब रेजोल्यूशन पास करेंगे, स्पेशल मेजोरिटी, हाँ स्पेशल मेजोरिटी तब हटेगा, ठीक है ठीक है। चलो अगले प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू पद्मा अवार्ड्स, पद्मा अवार्ड कैन बी गिवन अ हायर अवार्ड ओनली आफ्टर, ये क्या लिखा है, ये तो गलत है, पद्म अवार्ड्स कमिटी इज हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, ये तो ठीक है, देयर इज अ प्रोविजन फॉर सीकिंग द रिटन कंसेंट ऑफ द रिसिपिएंट बिफोर, हाँ ये ठीक है, नहीं तो बेइज्जती कर देते सही, दूसरा और तीसरा सही होगा ना, एक मिनट मैं पहला पढ़ नहीं पाया, पहला क्या था, पहला द पद्म अवार्ड कैन बी गिवन अ हायर ऑनर हायर अवार्ड ओनली आफ्टर 5 इयर्स ऑफ द कंफर्मेंट ऑफ द अर्लियर अवार्ड, ये तो गलत है बिल्कुल ही, मतलब लग रहा है नियम हो पता नहीं मुझे श्योर नहीं, लेकिन ये तीसरा तो सही लग रहा है और दूसरा भी शायद सही लग रहा है, कैबिनेट सेक्रेटरी ही करता होगा और तो कोई है नहीं उसके ऊपर, मुझे लग रहा है कि शायद पद्म अवार्ड जो होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं करता होगा, मतलब पीएम करता है शायद, मोदी जी डायरेक्ट करेंगे, हाँ रहते तो हैं प्रधानमंत्री शायद, हाँ हाँ रहते, कैबिनेट सेक्रेटरी यार आईएएस से क्यों करवाएंगे, तो मेरे हिसाब से सेकंड गलत होना चाहिए, तो सेकंड गलत होगा, फिर 1 और 3 ओनली कोई ऑप्शन है क्या, सी वन एंड थ्री है ना ऑप्शन, केवल 3 भी है, 3 ओनली भी है ऑप्शन, 3 ओनली नहीं है 1 और 3 है, तो 1 और 3 होगा फिर, हाँ या एक मिनट देखिए 1 एलिमिनेट हो रहा है क्या किसी ऑप्शन में, अगर 1 को गलत माने तो यार 2 और 3 भी है, 3 तो पक्का ही है, 1 और 3 2 और 3 दोनों, लेकिन मुझे लगता है कैबिनेट सेक्रेटरी गलत होगा क्योंकि ये सारे अवार्ड्स पॉलिटिकल, नहीं तो लास्ट में ये नाम जैसे तो लास्ट में शॉर्टलिस्ट करके कोई डिसीजन लेने के बाद ही होगा, किसी को इतना टाइम थोड़ी है सबके पास, देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है, 30 नंबर का ए ऑप्शन है, 1 और 2 ओनली, 3 नहीं है इसका, अच्छा 3 नहीं है, हाँ 1 और 2 ओनली, सही
ये पता है क्यों है? क्योंकि एक कम्युनिस्ट पार्टी का कोई नेता था जिसको बीजेपी ने अभी कुछ टाइम पहले पद्म अवार्ड देने की बात करी थी और उसने लेने से मना कर दिया था. तो यही गलत हो गया. तो इसमें ये है कि प्रोविजन नहीं है, ये क्या पूछा है? Which of these are correct? तो इसमें कंसेंट लेने जरूरी नहीं है इसके हिसाब से, तो स्टेटमेंट हिसाब से तो ये देयर इज अ प्रोविजन फॉर सीकिंग द रिटन कंसेंट ऑफ द रिसिपिएंट बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द अवार्ड. मतलब कि परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, उसकी इच्छा है लेने आए ना, मतलब परमिशन नहीं लेना. अगर वो भारत का नागरिक है, बाहर का भी है, तो दे सकते हैं. अभी सुंदर पिचाई को दे रखा है. व्हाट इज द पद्म अवार्ड? द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंस्टीट्यूटेड इन 1954 अलॉन्ग विद भारत रत्न. द अवार्ड वॉज गिवन, अवार्ड इज आर गिवन इन थ्री कैटेगरी, पद्म विभूषण, God seeks to recognize the achievements in all its fields of activities or disciplines when an element of public service is involved. ठीक है. Limitations and exceptions. Award do not get any cash reward, but a certificate signed by the president apart from a medallion, which can they wear at public and government functions. इसको use नहीं कर सकते. नाम के आगे भारत रत्न ये नहीं कर सकते वो तो. आर्टिकल 18 में है ना ये? 18 में हाँ. The awards are, however, not a conferment of title, and the awardees are expected not to do either their work and not to use them as a prefix or suffix to their name. एक बार सचिन ने कहीं लिखा था तो बड़ा हंगामा हुआ था, किसी ने किया था. पद्म अवार्डी कैन बी गिवन अ हायर अवार्ड ओनली आफ्टर 5 years of the conferment of the earlier award. अच्छा ये भी है यार, किसी को पुराना अवार्ड मिला ही नहीं है तो मतलब क्या हुआ इसका? अर्लियर अवार्ड क्या, उसे कोई नाम ही नहीं मिला पहले तो कैसे मिलेगा? पहले पद्मश्री दे दिया तो पद्म विभूषण में, जैसे मान लो 2022 में दे रहे हैं पद्मश्री, तो 27 के पहले नहीं मिलेगा पद्म विभूषण, ये कहने का मतलब. अच्छा ये सही कह रहे हो भाई. नॉट मोर देन 120 अवार्ड्स कैन बी गिवन इन अ ईयर, ये भी है. हाँ ये भी सरकार तो नहीं, तो सरकार तो भाई सभी को बांट देगी खुश करने. मरणोपरांत वाले दे सकते हैं लेकिन ये पोस्टमस अवार्ड्स और गिवन टू एनआरआई और फॉरेनर्स. मतलब अच्छा, मरणोपरांत नहीं मिलता है? नहीं, मरणोपरांत वालों को काउंट नहीं करेंगे ये 120 वाले में, और एनआरआई को और फॉरेनर्स को. जैसे 120 भारतीय नागरिकों को दे रहे हैं तो उसको प्लस में दे सकते हैं फूलों को या मरणोपरांत. ये सही यार, 120 जिंदा लोगों को मिलेगा उसके बाद मरे लोगों को. नहीं तो वैसे 120 इनका हर बार नहीं पहुंचता है, ये जब से आए तब से ये लोग ढूंढ ढूंढ के गांव गांव से लोगों को देते हैं, जब जो डिजर्व उनको. गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंक्लूडिंग दोज वर्किंग विद पीएसयू एक्सेप्ट डॉक्टर साइंटिस्ट आर नॉट एलिजिबल. देखो इनको दिया था ना अभी राजीव गुआबा को, तो ये शायद इनको दिया था, लेकिन कुछ और पता नहीं ये सर्विस से है. अभी राजीव गुआबा है ना सर्विस, इनको दिया था एकदम. तो कैसे दिया फिर इनको, क्या दे रखा है? गवर्नमेंट सर्विस इंक्लूडिंग डॉक्टर्स को दिया जा सकता है ना, डॉक्टर्स को दिया जा सकता है. तो राजीव गौबा क्या डॉक्टर है? अरे ये कैबिनेट सेक्रेटरी प्रधानमंत्री के साथ काम करते थे. इनको दिया ना अभी नृपेंद्र मिश्रा को दिया था. देखो नृपेंद्र मिश्रा को दिया था जो अभी ये श्री राम मंदिर ट्रस्ट के जो अभी ट्रस्टी अभी जो देख रहे हैं. अच्छा, नृपेंद्र मिश्रा तो अभी रिटायर हो चुके हैं ना फिलहाल, तो रिटायर हो गए होंगे तो दे दिया होगा भाई. हाँ, जैसे एस जयशंकर को मिला, डॉक्टर एस जयशंकर को भी तो मिला था पिछली बार की एक दो बार पहले, तो रिटायरमेंट के बाद ही दिया होगा. चलो अगले क्या नॉमिनी, ये तो ठीक है कौन नॉमिनेट कर सकता है, ये तो कोई भी कर सकता है, ये तो सब पता ही है. ठीक है, ये भी 800 विदेशी भी हो सकता है ना, विदेशी नहीं हो सकते शायद, फॉरनर्स भी हो सकते हैं. ठीक है, हो सकता है, देखना क्या है. ये लोग अभी इसी बार दिया था किसी को योगा प्रमोट करने के लिए, इस बार दिया था किसी को, किसी सऊदी लेडी को दिया था इस बार योगा के लिए. कहां गया ये 30 ये होगा, ये हो गया इसका 35 तक करके छोड़ते हैं, बाकी कल करते हैं. चलो ठीक है. 31 कहां गया यार, यही है ना 31 का रहना था ना. मैं 31 ही है. हां 31 ही है. फंडामेंटल राइट फ्रांस से नहीं लिया, गलत हो गया. तो ये तो दिख रहा है कैबिनेट वाला 2 & 3 सही है, ये कैबिनेट वाला 2 & 3 सही होगा, ए हो गया ना, 1935 इसका तीसरे का तो. हाँ यही होगा इसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 तो नहीं है, ये मैं पूछ रहा हूँ. ब्रिटेन ही है पक्का? पक्का सही है, बिल्कुल सही है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन सही है.
ठीक है, देखते हैं सही पुल हो रहा था। ये आंसर का ए टू वन सही है। टू, ये वाला कहीं ना कहीं पूछता ही रहता है ना हमेशा, ये पढ़ो भाई एक पानी पी लो थोड़ा। हाँ तो यही है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है उसको बहुत जगह से बोरो किया गया है, मेनली तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का ही है, सब कुछ उसी से हमने ले लिया है। फिर बी आर अम्बेडकर ने कह दिया कि भाई हमने कोई कॉपी पेस्ट नहीं करा है, दुनिया में इतने अच्छे अच्छे संविधान बन चुके हैं, उनमें से जो जो बढ़िया चीजें वो हमने छांट ली है, रैनसैकिंग कर ली है। और फिर यही है कि जो डीपीएसपी है वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका से लिए हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली है जिसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो होते हैं उनके बीच में एक बहुत ही ज्यादा वैसा सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता, जो एग्जीक्यूटिव हैं वही मतलब जो लेजिस्लेटिव हैं वही एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। फिर यूएसएसआर से हमने क्या लिया है, यूएसएसआर से भी कुछ लिया है ना, मतलब कई चीजें उनसे भी ली हैं, और जो फंडामेंटल क्रिटिसिज्म है ड्यूटीज और हाँ जर्मनी से फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, लिया है, हाँ एमरजेंसी वाला प्रोविजन लिया, और फ्रांस ठीक से है लिया साउथ अफ लिबर्टी, क्या लिया, लिबर्टी वाला कुछ करके है ना यार, क्या है उसमें, क्या हाँ वो प्रीएम्बल में जो तीन आते हैं फ्रेटर्निटी इक्वेलिटी लिबर्टी कहते हैं वाले, लिबर्टी हाँ फैक्ट्री। वही फ्रेटर्निटी इक्वेलिटी लिबर्टी, जापान, मतलब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से उठाए हैं, जापान का भी है कुछ, पता है याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्ट। चलो जापान ठीक है, का बाकी याद नहीं है मुझे भी, हाँ चलो ठीक है, देख अगले लेंगे वो तो प्रश्न हो गया तो मतलब आसान था। कहाँ गया, बड़े 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 क्वेश्चन दे रखा है, पढ़ो पढ़ो ये इलेक्शन क्वेश्चन को। कमीशन, हाँ इलेक्शन कमीशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, इट हैज बीन इम्पावर्ड टू कंडक्ट इलेक्शन टू स्टेट इलेक्शन कमीशन थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, शायद सही ही होगा। ठीक, हाँ द सही है। फंक्शंस ऑफ डिलिमिटेशन रिजर्वेशन एंड रोटेशन ऑफ पंचायत सीट्स इज वेस्टेड इन स्टेट इलेक्शन कमीशन, या डिलिमिटेशन तो नहीं होता है, डिलिमिटेशन कमीशन तो अलग होता है, तो सेकंड गलत होना चाहिए, फिर तीसरा पढ़ते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड टू द गवर्नर, हो सकता है सही हो, ऑप्शन से पता तीसरा, चलेगा मतलब, पहला तीसरा सही लग रहा है मुझे तो। हाँ हाँ यही होगा पहला तीसरा ही होगा आंसर, दूसरा वाला क्यों गलत डिलिमिटेशन है, पंचायत सीट इज वेस्टेड इन स्टेट इलेक्शन कमीशन, कौन करता है फिर स्टेट का, पंचायतों का, स्टेट ही तो करेगा इसको। डिलिमिटेशन डिलिमिटेशन कमीशन ही करता है मतलब जहां तक मुझे ध्यान है, तो डिलिमिटेशन इसको कमीशन तो यही करेंगे ना स्टेट कमीशन ही, जैसे क्या चीज, जम्मू कश्मीर में हुआ था इलेक्शन कमीशन ने किया था, तो वो विधानसभा वाले सीट के लिए किया था, ये पंचायत की सीट के लिए बोल रहा है वो, मुझे लग रहा है ये भी सही होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो डिलिमिटेशन कमीशन सबका ही करता है, देख लेते हैं एक बार, 32 का, इसका मतलब मैं सी के साथ जाना चाहूंगा, 32 का ए, 32 का ए दे रखा है, ये वाला है इसका, देखिए तो क्या इसका आंसर ये क्या दिया है। हुआ है हाँ स्टेट इलेक्शन कमीशन सबमिट्स एनुअल रिपोर्ट टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इलेक्शन कमीशन को नहीं गवर्नर को ही देते हैं शायद ये, बस देखो इसका आंसर क्या, ये प्रेसिडेंट को हाँ देता, हो सकता है, ये प्रेसिडेंट को देते होंगे पक्का, देखो प्रेसिडेंट को देते होंगे, देखा नहीं, देखते हैं क्या है, गवर्नर या देखते प्रेसिडेंट को हैं देते भाई होंगे, इलेक्शन कमीशन को नहीं देते होंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन इज इंटरेस्टेड टू कंडक्ट इलेक्शन ऑफ पंचायत इन थ्रू 73rd एंड अर्बन बॉडीज, ठीक है 74th अमेंडमेंट एक्ट, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, द फंक्शन ऑफ डिलिमिटेशन डिलिमिटेशन रिजर्वेशन रोटेशन ऑफ पंचायत सीटेड इज वेस्टेड सीट्स इज वेस्टेड स्टेट इलेक्शन कमीशन एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ एनसीआरडब्ल्यूसी वर्किंग वर्किंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है फंक्शन ऑफ डिलिमिटेशन रिजर्वेशन रोटेशन ऑफ सीट्स आर वेस्टेड शुड बी इन अ शुड बी डिलिमिटेशन, वेस्टेड, हाँ वो डिलिमिटेशन शुड बी है वो, कहाँ गया, ठीक है गड़बड़ हो डिलिमिटेशन रिजर्वेशन एंड रोटेशन ऑफ सीट शुड बी वेस्टेड इन डिलिमिटेशन कमीशन नॉट इन द स्टेट इलेक्शन हाँ कमीशन। वो रिकमेंडेशन है वो, मतलब गड़बड़ हो गई वो, ठीक है ये रिकमेंडेड रिकमेंड किया है लेकिन ऐसा है नहीं, ये हाँ बात ऐसा है नहीं, वही वही हाँ मैं कह रहा हूँ ना शुड भी ऐसा होना चाहिए, मतलब गड़बड़ हो गई वो, नहीं। और कोई भी इधर क्या क्लियर तीसरे कट का, प्रोविजन नहीं है रिगार्डिंग द सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स भाई, हाँ सही है वो तो, ऑल्सो द स्टेट इलेक्शन ये कमीशन शुड सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट, शुड है ये भी, मतलब ये भी दोनों शुड वाले हैं, रिकमेंडेशन क्या चीज, हाँ ही है, ये भी रिकमेंडेशन ही है, तो वही मैं कह रहा हूँ ये भी रिकमेंडेशन ही है, ठीक है मतलब यार ये गलत वाला नहीं है, रिकमेंडेशन मतलब इसका जरूरी है क्या, कौन सा कौन रिकमेंड कर रहा है, इसका नाम क्या है, नेशनल कमीशन टू रिव्यू नेशनल द इसके कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बारे में अटल कुछ। बिहारी वाजपेयी के टाइम पे बनाया गया था, जिसमें इन्होंने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की रिव्यू करवाया था, मतलब कि क्या क्या गड़बड़ियां हैं संविधान में, तो उसकी कुछ रिकमेंडेशन सही है, कुछ माना भी है कि बस ऐसे बना दिया। पता नहीं वही मानने का तो ऐसा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, ये कमीशन बॉडी फॉल्स अंडर नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, ये तो इसके लिए तो अलग से मंत्रालय ही है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हाँ
अल्पसंख्यक मंत्रालय गलत हो गया पहला तो, अब नेशनल कमीशन फॉर डेवलपमेंट, कमीशन फॉर वुमेन ये सही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये सोशल जस्टिस वाले में। अच्छा मुझे लग रहा है कि शायद इसी में ही होगा यार, ट्राइबल अफेयर्स में क्या होगा फिर देख लेते हैं। हाँ फिर देख लेते हैं, वैसे मुझे लग रहा है सोशल जस्टिस वाले में होगा क्योंकि ये रामदास अठावले देख लेते हैं एक बार। टू तो पक्का सही है और वन पक्का गलत है, अब देखते हैं ऑप्शन देखते हैं एक बार। ऑप्शन हाँ दे तो रखे, देखते हैं जैसे रामदास अठावले देखो टू एंड थ्री होगा फिर, तीसरा सी दे रखा है, सही है ट्राइबल वाले में सही है। इसी के तहत वो बना है फॉरेस्ट राइट एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट पे क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो सोशल जस्टिस वाले में क्या आता है फिर, सामाजिक न्याय? सोशल जस्टिस में तो उसमें मुझे जहां तक लगता है उसमें शायद ओबीसी वाले लोग आते हैं यार, सभी आते हैं वैसे। ठीक है देखते हैं बाद में, देखने में इसको। ये वाला विद रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन कंसीडर फॉलोइंग इंस्टीट्यूट कॉस जुडिशियल बॉडी द मेंबर्स आर होल्ड ऑफ 65 इयर्स द मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तीनों ही सही लग रहा है क्या? तीनों तो नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। मतलब 5 इयर्स का तो ऐसा मुझे 65 साल, 5 साल का तो होता है वैसे। हां 5 इयर्स और टिल द एज ऑफ 65, ध्यान नहीं आ रहा मतलब फाइनेंस कमीशन। 1 तो सही है, बिल्कुल सही है। अब 1 2 3 तीनों साथ में है नहीं, मुझे लग रहा है सी होना चाहिए। 1 देख मुझे भी सी लग रहा है, मुझे भी 34 का सी हां सही है। अरे यार ये क्या हो गया, सेकंड में गड़बड़ क्या है, सेकंड में क्या गड़बड़ है तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ो, बड़ा सा लिख रखा है 280 में। हाँ ठीक है, क्वासी जुडिशियल बॉडी तो है ही, तो क्योंकि इसके पास में सिविल प्रोसीजर की पावर्स इन मैटर्स समनिंग एंड इनफोर्सिंग द अटेंडेंस एंड रिक्विजिटिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट ऑफ ऑफिस, ये मांग सकती होगी। फाइनेंस कमीशन शुड बी डीम्ड टू बी अ सिविल कोर्ट फॉर पर्पसेस ऑफ सेक्शन 480 एंड 482 ऑफ द सीआरपीसी प्रोवाइडेड अंडर द फाइनेंस कमीशन एक्ट। It is constituted by the President of India every 5 years or at such term earlier time as he considered necessary. यानी पहले भी बनाया जा सकता है, इसलिए दूसरा मतलब 4 other members पिछली बार होते हैं, जम्मू कश्मीर को क्या चीज़, जम्मू कश्मीर के लिए वो जो 1% 42 करा था वो 41 कर दिया, वही कह रहे हो मतलब सेंटर का 41 से 42% कर दिया जो शेयर है, और 1% जम्मू कश्मीर को दे दिया था ना ये। हाँ 1% वही, तभी 41 से 42 कर दिया था ना शेयर, क्योंकि वो भी यूटी बन गया तो सेंटर का शेयर बढ़ा दिया था। सही है, मतलब ये तो इसमें ये है कि कोई इसका 5 साल का टर्म नहीं है, वो होल्ड करते हैं ऑफिस को, प्रेसिडेंट बताएगा उसके अनुसार, और रीअपॉइंटमेंट तो हो ही सकता है। ठीक है 34 भी सही हो गया। 35 Recently, Airtel Payments Bank was awarded scheduled bank status by the RBI. In this context, consider the following: every scheduled bank is eligible to be a member of clearing house. Clearing house क्या है भाई? पता नहीं। Payment banks. हाँ ये उसमें current होगा ये कुछ. Payment banks क्या? Question में लिख रखा recently. Question में लिख रखा ना recently. ऊपर तारी नाम. भाई भाई. पेमेंट बैंक्स कैन प्रोवाइड डेबिट एंड एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड्स तो पेमेंट बैंक यार कर्ज देते हैं। नहीं तो ये पेमेंट बैंक तो देते हैं, पेटीएम वाले तो देते ही हैं, तो ये है सही है। दूसरा लोन नहीं दे सकते हैं, ये कार्ड दे सकते हैं, लोन नहीं दे सकते हैं। दूसरा तीसरा तो सही है, पहला पता नहीं। डेबिट लोन ही तो होता है एक तरीके से। अच्छा नहीं, डेबिट कार्ड दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। ये कह अच्छा। रहा है कि मतलब लोन नहीं दे सकते, सीधी बात है। पेमेंट बैंक सेकंड ऑप्शन सही है। तीसरा वाला भी 1 लाख वाला, तीसरा भी सही है, ये पहले में सही है मुझे। मेंबर ऑफ क्लियरिंग हाउस, पता नहीं भाई क्या होता है क्लियरिंग हाउस। उसका 1000 पेटीएम वाले तो 1 लाख रुपए का लिमिट लगाया था मतलब आरबीआई ने, उसके बाद पता नहीं कुछ अलग हुआ हो तो, मतलब काफी पहले किया था ये जब पेटीएम, पहले तो 1 लाख थी लिमिट। देखते हैं इसका आंसर, ये सेकंड तो लेकिन 100% सही है। हाँ सही कह रहे हो, सेकंड सही होगा क्योंकि क्रेडिट कार्ड की बात है ना, कर्ज नहीं दे सकते, क्रेडिट कार्ड नहीं है, डेबिट तो होगा ही, फिर क्या ही फायदा है अगर डेबिट भी नहीं होगा तो। Scheduled bank in India refers to those banks which have been included in the second schedule of the Reserve Bank of India Act 1934. ये 1934 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले के साथ ही आया था ना ये।
एवरी शेड्यूल बैंक इन टू टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल फैसिलिटीज इट बिकम्स एलिजिबल फॉर डेट लोन्स एट बैंक रेट फ्रॉम द आरबीआई इट ऑटोमेटिकली रिक्वायर्स मेंबरशिप क्लियरिंग हाउस. अच्छा जब वो लोन देने के काबिल हो जाएगा तो क्लियरिंग हाउस का मेंबर हो जाएगा. ठीक है देखना पड़ेगा होता क्या है. फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय ऑफरिंग मॉडेस्ट सेविंग अकाउंट्स एंड पेमेंट रेमिटेंस सर्विसेज टू माइग्रेटरी लेबर वर्कफोर्स लो इनकम हाउसहोल्ड स्मॉल एंटरप्राइजेस. अब 2 लाख कर दिया. सही है भाई मैं सोच रहा था कुछ कर बैठे. पहले ये 1 लाख था मुझे याद है पेटीएम वाले जब एक बार गड़बड़ हुआ था उस टाइम 1 लाख कर दिया था. दिस बैंक्स आर अनेबल टू प्रोवाइड लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड या ना कैन हैंडल बोथ करंट एंड सेविंग अकाउंट्स क्योंकि मेरा खुद का भी खाता है बीपीएस वाले के साथ. तो पेमेंट बैंक कैन प्रोवाइड एटीएम एंड डेबिट कार्ड. हाँ ये कार्ड दे सकते हैं डेबिट कार्ड दे सकते हैं क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते हैं. ऑनलाइन बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग सब दे सकते हैं. ठीक है क्वेश्चन 35 तक हमने कर लिया. बाकी कल हम करते हैं इसी टाइम पे जैसे 6 के बाद किया. ठीक है एक सेकेंड अगर कुछ बोलना है तो ये वाला मैं बंद कर दूं रिकॉर्डिंग उसके बाद बोल लेना नहीं तो फिर वो भी आएगा ना उसमें. एक सेकेंड बंद कर. हाँ हाँ बंद कर दो. 1.5 घंटे का हुआ वैसे.